क्या हाल चाल है बच्चे फटाफट से मुझे चैट में बताइए वेदर ऑल hear यू कैन हियर so सो दैट वी कैन वेरी वेरी क्विकली गेट स्टार्टेड विद ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोगों को कंटिन्यूसली पढ़ा पढ़ा कर गले की देखो बैंड अच्छे से बच चुकी है है ना आज से कुछ दिन पहले वाली मैं अपनी yes आज से कुछ दिन पहले वाली अपनी आवाज सुनती हूँ वर्सेस आज वाली आवाज सुनती हूँ तो ऐसे लिटरली लगता है कि मतलब गले में पता नहीं कौन से प्रकार के पत्थर आ गए हैं कि आवाज निकलती ही नहीं है चलिए कोई बात नहीं सो बच्चों के लिए करी गई मेहनत आई थिंक उस दिन जरूर सफल होती है जिस दिन हमारे पढ़ाए हुए बच्चे अपनी मनपसंद आईआईटी में अपनी मनपसंद ब्रांच में जाते हैं और जिस दिन बच्चा थैंक यू करता है ना तो उस दिन ये गले वाले के जितने भी प्रॉब्लम हुए थे पूरे साल वो सब ऐसे सॉर्ट आउट हो जाते हैं कि ये बहुत छोटी चीज है चलिए सो बच्चे आज हम एनसीआरटी लाइन बाय लाइन करने वाले हैं अपने चैप्टर थर्मोडाइनेमिक्स की जितने भी बच्चे जेई के लिए ये चैप्टर प्रिपेयर कर रहे हैं आज की क्लास से जेई मेंस के चार नंबर पक्के आपके हो जाएंगे फॉर श्योर चार नंबर पक्के हो जाएंगे अगर आप एक जेई एस्पिरेंट हैं सिमिलरली अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हैं एक क्वेश्चन की मैं गारंटी लेती हूँ हंड्रेड परसेंट गारंटी देती हूँ कि आज जिस बच्चे ने ये बुनियाद सीरीज का वन शॉट देखा एन का थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का अगर थर्मो में से कोई भी सवाल चाहे आपके जेई मेन्स के पेपर में आता है ठीक है चाहे आपके जेई मेन्स के पेपर में आता है या फिर नीट के पेपर में आता है एक सवाल आपसे डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा ठीक है ये तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ इस चैप्टर के लिए इसके अलावा भी अगर किसी बच्चे ने इस बुनियाद सीरीज को शुरू से लेके एंड तक फॉलो किया ठीक है मुझे नहीं पता आपका बैकग्राउंड क्या है आपके कोचिंग पे क्या चल रहा है आपकी इलेवेंथ अच्छी गई थी नहीं गई थी ट्वेल्थ कैसी जा रही है आई हैव नो आइडिया है ना मगर इतना कॉन्फिडेंट मुझे अपने पढ़ाने और इस सीरीज पे है कि अगर किसी बच्चे ने शुरुआत से ले लास्ट तक इस पूरी सीरीज को अटेंड किया आपके जेई मेंस में 75 टू तो 80 नंबर ये मैं मिनिमम बोल रही हूँ कम से कम 80 प्रतिशत नंबर 80 नंबर जेई मेंस के पेपर में आप केवल 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 बुनियाद सीरीज फॉलो करके लेकर आ सकते हो ठीक है सो so बस मेहनत करते रहना मेहनत में बिल्कुल भी कमी नहीं आनी चाहिए तो अगर मेहनत हम डट कर करते हैं ना कहते हैं ना कि अगर मेहनत जैसे एक बहुत अच्छी सी बात मुझे यहाँ पर याद आ रही है वो कहते हैं कि जो आपकी सफलता है है ना आप जब मेहनत करते हो तो शोर नहीं मचाते क्योंकि सफलता एक दिन अपने आप है ना ढोल बाजे पीट पीट कर आती है सो so जो बच्चे अभी चाहे साइलेंटली मेहनत कर रहे हैं है ना एक दिन उनके द्वार पर एक दिन आपके घर पर सफलता जरूर आएगी चलिए सो so, इसी अच्छी सी बात के साथ शुरू कर देते हैं अपना चैप्टर थर्मोडाइनमिक्स थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है इट इज़ अ अंदी चैप्टर मगर आ, प्लस इसके साथ साथ यहाँ पर बड़ी सारी थियरी दे रखी है मतलब जितनी थियरी रिक्वायर्ड है वो तो गिवन गिवन है उसके साथ साथ एक्स्ट्रा बहुत सारे लंबे लंबे पैराग्राफ दे रखे हैं तो मैंने आपके लिए एक चीज कर लिया आई हैव रेड द एंटायर एन पूरी एन देखो मैंने बचपन से पढ़ी रखी है बट आपकी क्लास से पहले भी पूरी की पूरी एन मैंने आपके लिए पढ़ी है जिस भी पैराग्राफ में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मेंशन है वो सारी चीजें मैं आपको खुद से करा दूंगी तो इसके बाद आपको दोबारा से एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीड करने की जरूरत नहीं है तो लेटर से इस पैराग्राफ में जो भी चीज दे रखी है अगर उसमें से कुछ जेई या नीट लायक है तो वह मैं अपने आप आपको करा दूंगी उसके बाद आपको दोबारा दोबारा एन पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है चलिए सो so, बच्चे हमारी एनसीईआरटी में थर्मोडायनेमिक्स वैसे आप थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में पढ़ते हैं बस फर्क ये है हर चीज़ सेम ही है द ओनली डिफरेंस इज साइन कन्वेंशन तो जो साइन कन्वेंशन आप फिजिक्स में यूज़ करते हैं दैट इज टोटली ऑपोजिट टू द साइन कन्वेंशन जो हम केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं जबकि रिजल्ट्स आउटपुट अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग रिमेंस द सेम इट इज़ ओनली द साइन कन्वेंशन जो डिफरेंट होता है तो मैं कोशिश करती हूँ आपको अच्छे से समझाने की बाय द वे जिन बच्चों ने अभी सेशन को लाइक नहीं किया कंजूसी मत करें है ना एक ही माध्यम है मैम को तुम मोटिवेटेड रख सकते हो विच इज योर लाइक तो एक लाइक तो देखो बनता ही बनता है इस पूरी सीरीज के लिए बनता है बिकॉज पूरे यूट्यूब पे चले जाओ है ना पूरे यूट्यूब पे कोई भी यूट्यूब कोई भी टीचर छांट मारो अगर किसी ने तुम्हें ऐसी इस तरीके की एनसीआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ाई हो तो भाई साहब तुम देख सकते हो ठीक है तो <laughs> काफी मेहनत वाली सीरीज है सो तो मेक श्योर सेशन को लाइक कर दो फटाफट से सेशन को शेयर कर दो हर उस बच्चे के साथ जिस बच्चे को आपने ये बोलते हुए सुना यार मेरे को तो बेसिक्स नहीं आते यार मेरी तो इलेवंथ खराब है मेरी तो इलेवंथ बर्बाद हो गई तो जितने भी बच्चों से आपने ये चीजें सुनी है उनके साथ तो डेफिनेटली सेशन को शेयर करना बनता है चलिए सो तो बच्चे पहला जो हमारा पैराग्राफ दे रखा है थर्मोडाइनमिक्स उसमें यही चीज़ की बात कर रखी है कि जब आप एक सिस्टम को गर्म करते हो या जब आप एक सिस्टम को ठंडा करते हो या जब भी हमें केमिकल रिएक्शन कैरी आउट कराते हैं तो किस तरीके के एनर्जी चेंजेस हो रहे हैं इन सारी चीज़ों के बारे में हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं थर्मो इस बात से बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है कि कितनी जल्दी जल्दी रिएक्शन होगी या कितनी स्लो हीट निकलेगी कितनी जल्दी हीट निकलेगी हमें जल्दी या स्लो से कोई मतलब नहीं है थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली आपको ये बताता है कि क्या एक रिएक्शन होगी अगर वो रिएक्शन होगी तो उसमें क्या हीट एनर्जी रिलीज होगी या गेन होगी इन सारी चीजों के बारे में हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं इस पैराग्राफ में यही दे रखा है इसमें से कुछ पूछे जाने लायक नहीं है अब कुछ थर्मोडायनेमिक्स इंपॉर्टेंट टर्म्स हम पढ़ते हैं जिसमें से सबसे पहली टर्म है सिस्टम एंड सराउंडिंग तो मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो बच्चे आपके केमिस्ट्री में कितने सारे चैप्टर्स हैं बत्तीस चैप्टर्स हैं जो आपको जेई के लिए करने हैं ना नीट के नीट के लिए करने हैं बत्तीस चैप्टर्स हैं मगर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप कौन सा चैप्टर कर रहे हो आप कर रहे हो थर्मो तो इस पॉइंट पे जब आप थर्मो कर रहे हो तो आपका पूरा का पूरा जो कंसिडरेशन है जो पूरी की पूरी सोच है जो पूरा का पूरा आपका माइंड है वो केवल और केवल किसके अराउंड घूम रहा है थर्मोडायनेमिक्स के इसके अलावा आपका जितना भी जेई का सिलेबस है वो सारा अभी तो हम कंसर्न नहीं है ना तो ऐसा कोई पर्टिकुलर सिस्टम मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर पोर्शन जिसपे आप थर्मोडायनेमिक स्टडी कैरी आउट कराएंगे मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप एक कप में चाय पी रहे हैं कप के साथ यहाँ पर बिस्किट हल्दीराम्स की नमकीन का पैकेट कुरकुरे के पैकेट सब कुछ है मगर अगर आप केवल चाय पे कंसंट्रेट करेंगे तो ये चाय क्या कहलाएगी सिस्टम और चाय के आजू बाजू मान लो यहां कोई सुंदर कन्या भी क्यों ना खड़ी हो या कोई सुंदर लड़का भी क्यों ना खड़ा हो वाइस वर्षा जिसको जो पसंद हो ठीक है कुछ भी क्यों ना हो वो तुम्हारे लिए कंसर्न नहीं है तो सिस्टम के अलावा जितनी भी चीजें हैं जिनमें हम थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशन नहीं कर रहे थर्मोडायनेमिक डायनेमिक कंसिडरेशन का मतलब हम ये पता नहीं कर रहे कि कितनी हीट निकल रही है कितनी हीट जा रही है एंड एनसोन so तो इस पूरे तामझाम को क्या कह देते हैं सराउंडिंग क्या कह देंगे सराउंडिंग चमका कि थर्मोडाइनेमिक्स उस यूनिवर्स हमारे यूनिवर्स का वो पूरा का पूरा पार्ट जिस पे मेरा कंसिडरेशन है जिस पे मैं थर्मो डायनेमिक कर रही हूँ थर्मो डायनेमिक ऑब्जर्वेशंस कर रही हूँ उसको कहते हैं सिस्टम सिस्टम के अलावा जितना भी पूरा यूनिवर्स है वो सारा ही क्या कहलाएगा सराउंडिंग और यहाँ से एक बात इन्होंने जैसे ये मैंने आपको चाय के कप से समझाई इन्होंने एक सिस्टम बीकर के कप बीकर से समझा रखे दैट इज़ वन एंड द सेम थिंग बाकी इन्होंने ये कहा है कि जैसे ये चाय का कप है बड़े ध्यान से देखना ये चाय का कप है जिसके अंदर गर्मा गर्म चाय या कॉफी है ना चाय या कॉफी है और यहां पर मान लो हल्दी राम्स का नमकीन का पैकेट है यहां पर एक सॉफ्टी पड़ी है ठीक है यहाँ एक लड़की खड़ी है एक लड़का खड़ा है कुछ भी वो कह रहा है ये अगर आपका सिस्टम है उसने बोला अगर ये सिस्टम है सिस्टम के अलावा हर चीज क्या कहलाएगी सराउंडिंग अब बड़े ध्यान से देखना सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करने वाली दीवार इसको क्या बोलते हैं दीवार सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करने वाली दीवार को हम क्या कहते हैं बाउंड्री क्या कहेंगे बाउंड्री ये बाउंड्री आपकी रियल भी हो सकती है देखो मैं इसको टच कर पा रही हूं आई कैन टच द बाउंड्री ये रियल है मगर यहां तक जब ऊपर कप की ये बाउंड्री है ये भी रियल है मगर ऊपर चाय को हमारी हवा से सेपरेट करने के लिए कोई दीवार नहीं है तो यहां पर मैं एक इमेजिनरी बाउंड्री कंसीडर कर सकती हूं तो जो आपकी बाउंड्री है वो इमेजिनरी भी हो सकती है वो रियल भी हो सकती है तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग को टोटल क्या बोलते हैं यूनिवर्स चमका सिस्टम प्लस सराउंडिंग को क्या बोलते हैं यूनिवर्स अब हम बात करेंगे कि हमारे सिस्टम्स किस किस प्रकार के होते हैं हमारे सिस्टम्स को हम तीन प्रकार से क्लासिफाई करेंगे एक ओपन सिस्टम एक क्लोज सिस्टम और एक आइसोलेटेड सिस्टम पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ बच्चे मान लो यही चाय का कप है ये सारी चीजें कई बार जेई में कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे पूछी जाती है इसीलिए देखो समझाना मेरी ड्यूटी है ये चाय का कप है चाय के कप में गर्मा गर्म गर्मा गर्म गर्म किसी ने चाय या कॉफी डाल दी अब ध्यान से देखो ये हमारी ये हमारा सिस्टम। क्या आपको नजर आ रहा है कि चाय के कप में जो भी पानी था है ना वेपर्स जो थे वो सिस्टम से सराउंडिंग में जा रहे हैं यानी कि यहां पे मास का ट्रांसफर हो रहा है सिमिलरली आपने देखा होगा जब कोई आपके लिए चाय बनाकर लाया एकदम गर्मा गर्म चाय और पांच मिनट अगर वो चाय हवा में पड़ी रही तो वो ठंडी हो जाती है क्यों तो चाय ने अपनी जो थर्मल एनर्जी थी वो सराउंडिंग को ट्रांसफर कर दी यानी कि यहां पर मास और यहां पर एनर्जी दोनों का एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग तो इस तरीके के सिस्टम को क्या कहते हैं ओपन सिस्टम चमका मान लो अगर यही चाय का कप मैंने ले लिया है ना गर्म चाय की प्याली यही चाय का कप मैंने ले लिया मगर अब मुझे पता है कि यार अगर मैं ऐसे करूंगी तो सारा का सारा जो भाप है जो वेपर्स है वो निकल जाएंगे मैंने चाय के कप पे एक उल्टा ढक्कन से कटोरी ढक दी अब मैंने देखा चाय अभी भी ठंडी होगी यानी कि अभी एनर्जी का एक्सचेंज तो हो रहा है मगर जितना भी भाप ऊपर जाएगा वो टकरा के नीचे ही आ जाएगा यानी कि मास का एक्सचेंज नहीं हो रहा मास का मतलब मैटर का एक्सचेंज नहीं हो रहा बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग तो इस तरीके के सिस्टम को कहते हैं क्लोज्ड सिस्टम क्या बोलेंगे क्लोज सिस्टम अब मान लो मैंने चाय के कप को एक थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर में ले लिया जैसे आते हैं ना ये बड़े सारे सेलो की थर्म फ्लास्क आती है ऐसी बड़ी सारी कंपनीज की है ना फ्लास्क आती है तो मान लो मैंने एक थर्मस फ्लास्क ले ली तो थर्मस फ्लास्क को ऊपर से हमने ढक दिया अब यहां पर हमने गर्मा गरम चाय ले ली अब देखो कोई भी परफेक्ट ऐसी थर्मस फ्लास आज तक बनी नहीं है जिसमें चाय कभी ठंडी ही ना मगर काफ़ी देर तक इस थर्मस फ्लास में चाय गर्म रहती है है ना ये सुन रखा है तुमने यानी कि यहाँ पर ना तो मैटर का एक्सचेंज हो रहा है और काफ़ी देर तक एनर्जी यानी कि हीट का भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है इस तरीके के सिस्टम को क्या बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है बट हां हम कहते हैं कि इट इज क्लोज टू एन आइसोलेटेड सिस्टम चमका सबको ये अच्छे से क्लियर हो गया क्लियर है अब एक नया टॉपिक देखिए एक नया टॉपिक है स्टेट ऑफ सिस्टम बच्चे स्टेट का मतलब है तुम्हारी हालत कैसे हालात हालातों को जो हिंदी में हम बोलते हैं ना कि तुम्हारी हालात कैसे हैं तुम्हारी दशा कैसी है यहां पर उसी को हम क्या बोलते हैं तुम्हारे सिस्टम की स्टेट कैसी है जैसे पूछता हूँ दिमागी हालत सही है मतलब दिमाग की दशा सही है दिमाग की स्टेट सही है ये तुमने सुना होगा ना ऐसे बोल देते हैं लोग मूवीज में बोल देते हैं घर पे एक दूसरे को बोल देते हैं भैया सही हो ना, है ना तो ऐसे ही जब हमें सिस्टम का हाल चाल पता करना होता है तो हम सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करते हैं स्टेट को डिफाइन अब देखो कोई मुझे कहे कि मैम आप ठीक ठाक होना जैसे कोई मेरे से पूछे कि मैम आप ठीक ठाक होना तो वो मेरे से क्या पूछना चाह रहा है कि मैम भाई बुखार बुखार तो नहीं है गला वाला ख़राब तो नहीं है लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है सब कुछ शॉर्टेड है घर पे सब सही है परिवार में सब सही है है ना आपकी पढ़ाई सही चल रही है अगर हम किसी से भी पूछते तो कुछ हमने ऐसे क्वेश्चन डिस्क्राइब कर रखे होते हैं कि अगर उसने इन सब का आंसर हाँ दे दिया मतलब वो सही स्टेट में अगर वो मान लो आंसर मैं दे दूँ ना यार मेरी तो लाइफ ही सही नहीं चल रही मतलब मेरी स्टेट खराब चल रही है ना इसी तरह अब हम सिस्टम से तो नहीं पूछ सकते भैया घर पे सही सब सही है या नहीं तो सिस्टम से क्या पूछे हम सिस्टम से जनरली पूछते हैं और सिस्टम का मतलब अब मैं कभी भी ये थर्मस फ्लास्क चाय के कप की बात नहीं करूंगी मैं पूरी केमिस्ट्री में जो भी सिस्टम की बात करती हूँ मैक्सिमम नाइनटी परसेंट वो जो सिस्टम होता है वो एक कंटेनर होता है कंटेनर में एक पिस्टन लगी होती है पिस्टन जिसको ऊपर नीचे कर सकते हैं और कंटेनर में हमने गैस रखी होती है तो मैक्सिमम टाइम जब मैं वर्ड बोलूंगी सिस्टम आपके दिमाग में कोई चाय का कप नहीं आना चाहिए आपके दिमाग में एक कंटेनर आना चाहिए कंटेनर में हवा भरी होनी चाहिए पिस्टन लगी होनी चाहिए उसको ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रहे हैं दैट इज़ सिस्टम जो हम अब पूरे एक डेढ़ घंटे बात करने वाले हैं तो अगर मुझे सिस्टम से पूछना है भैया तेरी हालत सही है तो मैं क्या पूछूंगी मैं पूछूंगी भैया तुम किस प्रेशर पर हो क्या वॉल्यूम पे हो क्या टेम्परेचर हो तो ऐसी चीज़ें जिनसे हम सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करते हैं ऐसे चीज़ों को क्या बोलते हैं स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल्स स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं किसी भी सिस्टम की हालात को बताने के जो तरीके होते हैं उन्हीं को स्टेट फंक्शन स्टेट वेरिएबल बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर नंबर ऑफ मोल्स ये किसी भी सिस्टम को गैशिय सिस्टम को बताने के वेरिएबल्स हैं उनके प्रकार है एंड इन्हीं को हम आ, हिंदी में मतलब थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल देंगे स्टेट सिस्टम या फिर स्टेट फंक्शन अब एक और चीज़ आपको यहां पर दी होती है बच्चे इन्होंने लिख रखा है स्टेट फंक्शंस या स्टेट वेरिएबल्स उनको बोलते हैं जिनकी वैल्यू केवल इस बात पर डिपेंड करती है कि व्हाट इज योर स्टेट इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द फैक्ट कि तुम किस पाथ के थ्रू आए और तुम्हारी स्टेट ही होगी फॉर एग्जांपल मान लो कोई मेरे से पूछता है ठीक है या कोई मेरे से पूछता है कि भैया है ना कोई मेरे से पूछता है कि तुम्हारा तुम्हारे को कितना फीवर है ठीक है कोई मेरे से पूछता तुम्हारा तो को कितना फीवर है तो मैंने कहा यार मेरा ना मतलब हंड्रेड uh, पार हो गया है ना मेरा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो हंड्रेड पार हो गया हंड्रेड प्लस है तो हंड्रेड इज द स्टेट वो मेरी बॉडी का स्टेट है मुझे बताने के लिए क्या चाहिए कि भाई मैम का बॉडी का टेम्परेचर मैम को बुखार है सौ हो गया है ना सौ बुखार हो गया हम इस बात से कंसर्न नहीं है कि रात को मैंने कोल्ड ड्रिंक पी थी या फिर रात को मैं पिज्जा पार्टी करने गई थी या मैंने आइसक्रीम खा ली इस वजह से मुझे सौ फीवर हुआ आपको इस बात से मतलब नहीं है कि किस तरीके से मेरी बॉडी का टेम्परेचर सौ हुआ आपको बस इस बात से कंसर्न है कि हाई यार मैम को बुखार हो गया सौ हो था समझ रहे हो तो इसको बोलते हैं स्टेट वो इस बात से डिपेंड नहीं कर रहा कि मुझे किस तरीके से बुखार हुआ सिमिलरली जब मैंने एक गैस से पूछा कि गैस गैस तू कितने टेम्परेचर पे है तो कहती है, मैं ना ट्वेंटी फाइव डिग्री सी पे हो मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि पहले वो पैंतीस से पच्चीस पे आई या बारह से पच्चीस पे गई हमें इस बात से मतलब नहीं है कि वो किस पाथ के थ्रू ये टेम्परेचर अचीव उसने किया मगर मुझे पता चल गया ये टेम्परेचर कितना है पच्चीस मैंने कहा भाई तुम क्या कहलाओगे स्टेट फंक्शन क्यों क्योंकि तुम्हारी वैल्यू सिर्फ इसी बात पर डिपेंड कर रही है कि तुम अभी तुम्हारी स्टेट क्या है मुझे नहीं मतलब है कि तुम किस पाथ के थ्रू आए इसको बोलते हैं स्टेट फंक्शन अगर हमने पूछा कि भैया तुम्हारा प्रेशर कितना है तो कहता वन एटीएम हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो दस से वन पे आया या जीरो पॉइंट वन से वन पे गया बस मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि इसका प्रेशर वन एटीएम है सो so, ऐसे फंक्शन जिनकी वैल्यू केवल स्टेट पे डिपेंड करती है एंड इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ विच यू हैव टेकन टू अचीव दैट स्टेट उस तरीके के फंक्शन को क्या कहते हैं स्टेट फंक्शन या फिर स्टेट वेरिएबल इनके बारे में ज्यादा डिटेल में जानकारी अभी हम आगे चलते चलते करेंगे उसके बाद एक नया टॉपिक एनसीआरटी में गिवन है इसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी और ये पूछ रहा है कि कैसे इंटरनल एनर्जी को स्टेट फंक्शन बोलते हैं तो पहले मैं अपने तरीके से सिखाऊंगी फिर इसके तरीके से सीखेंगे बच्चे हमारे पास टॉपिक है इंटरनल एनर्जी इंटरनल एनर्जी को हम यू से रिप्रेजेंट करेंगे किससे रिप्रेजेंट करेंगे वी जनरली रिप्रेजेंट इंटरनल एनर्जी विद यू इंटरनल एनर्जी का मतलब होता है आत्मशक्ति मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है वो थर्मोडाइनेमिक्स ऐसे रटते हैं ना और जब तुम थर्मो रटते हो ना तुमसे एक क्वेश्चन नहीं बनता तो थर्मोडायनेमिक्स को अपनी लाइफ से कोरिलेट करके सीखो तो तुम्हें क्लिक करेंगी चीज़ें कि हो क्या रहा है?

वो जब अपनी मदर से बाहर आता है ना अपने मदर के रूम से बाहर आता है मुझे एक बात बताओ तो आते ही वो जिंदा रहता है ना वो हाथ पैर हिला सकता है ना उसके अंदर कुछ प्रकार की एनर्जी होती है ना तो जब बच्चा बॉर्न होता है ना उसके अंदर जो एनर्जी होती है उसी को पता क्या बोलते हैं उसकी आत्मशक्ति उस बच्चे को हमने अभी बाहर से खाना नहीं दिया उसकी मम्मी ने उसको फीड नहीं कराया बट फिर भी उसके अंदर कुछ एनर्जी है ना जब वो संसार में आया था जब भगवान ने उसको बनाया तो उसके अंदर कुछ एनर्जी थी ना तो जो बचपन से एनर्जी उसके अंदर है दैट इज वॉट इज नोन एज इंटरनल एनर्जी आत्मशक्ति फॉर एग्जाम्पल आज मैं पूरा दिन कुछ ना खाऊं लेटेस्ट से मैंने पूरा दिन फास्ट रखा मैं कुछ नहीं खा रही तो अगले दिन मैं मर थोड़ी ना जाऊंगी मेरे अंदर कुछ तो एनर्जी रहेगी जो मेरे अंदर की एनर्जी है उसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी ऐसे ही जो हमारा सिस्टम होता है सिस्टम का मतलब दोबारा से आपके दिमाग में ये बात फिट हो जानी चाहिए जैसे ही मैम सिस्टम बोल रही है मतलब एक गैस एंड इन अ कंटेनर फिटेड विद अ पिस्टन कह रहे हैं कि इस सिस्टम के अंदर भी कुछ ना कुछ इसकी इंटरनल एनर्जी होगी अब वो इंटरनल एनर्जी क्या होती है कैसे होती है ये सारी चीजें अभी मैं आपको करके बताती हूँ सारी चीजें एक एक करके करेंगे अब एक बात बताओ देखो मान लो एक सिस्टम है सिस्टम कुछ एनर्जी का है ठीक है सिस्टम पे मैंने क्या किया मैंने क्या किया इस सिस्टम को कंप्रेस किया मैंने कुछ बाहर से आके काम किया मैंने सिस्टम को धक्का मारा तो डू यू अग्री कि मैम सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी अगर आप सिस्टम पे आकर काम कर रहे हैं तो इस सिस्टम की कुछ एनर्जी चेंज हो जाएगी ये समझ रहे हो इसी को क्या बोल रहा है वर्क कह रहे हम किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को पता करने के लिए दो चीजों को डिफाइन करेंगे एक होता है कि वर्क और एक होता है हीट तो वर्क का क्या मतलब है बड़े ध्यान से देखना मैंने इस तरीके से सिस्टम पे काम कराया कि सिस्टम की हीट एनर्जी चेंज नहीं हुई मैं बस सिस्टम को कंप्रेस कर रही हूं एनर्जी का हीट तो और वर्क आपस में कोरिलेटेड कैसे होते हैं मगर पहले उसके लिए आपको ये सीखना पड़ेगा कि हीट वर्क और ये सारी चीजें क्या होती हैं पहले तो ये बताओ इंटरनल एनर्जी क्या होती है थोड़ी सी फील आ गई होगी है ना इंटरनल एनर्जी क्या होती है दिस मस्ट बी क्लियर अब वो कह रहे हैं देखो दो तरीके हैं देखो वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ द सिस्टम इन टू डिफरेंट वेज कह रहे है मान लो आपके पास एक सिस्टम है उसकी इंटरनल एनर्जी यू ए है मतलब कुछ इंटरनल एनर्जी है कह रहे अगर मैं उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करना चाहता हूं तो मेरे पास दो प्रकार है पहला प्रकार मैंने क्या किया कुछ मैकेनिकल वर्क करना स्टार्ट कर दिया मैकेनिकल वर्क करना मतलब तुमने ऐसे झगड़ा ले लिया जिससे लस्सी बनाते हैं ना दही से लस्सी बनाते हैं ऐसे झगड़ा ले लिया जोर जोर से जोर जोर से तुमने चर्निंग करना स्टार्ट कर दी एक तो ये तरीका है दूसरा तुमने सिस्टम को गर्म करना स्टार्ट कर दिया है ना देखो सेकेंड वे क्या है वी कैन नाउ डू एन इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क इलेक्ट्रिकल वर्क विद द हेल्प ऑफ एन इमर्जन रॉड या वो क्या कह रहा है तुमने एक एकदम है ना गरम गरम इलेक्ट्रिकल रॉड उसके अंदर डाल दी तो भी सिस्टम की एनर्जी चेंज हो जाएगी तो उसके उसने ये चीज़ बस प्रूव करी है उसने केवल ये चीज़ यहाँ पर प्रूव करी है कहते हैं अगर किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करना है ना वो इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि क्या तुमने सिस्टम को दबाया उसको कुचल दिया उसको एक्सपैंड करके फिर दबाया उसको गर्म किया तुमने उसको इलेक्ट्रिकल रॉड से गर्म किया या फिर तुमने इलेक्ट्रिकल वायर से गर्म किया या फिर उसके अंदर इस प्रकार का झगड़ा मारा उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वॉट इज़ द पाथ दैट यू हैव टेकन टू चेंज द इंटरनल एनर्जी तो वो यहाँ पर बस एक ही चीज़ प्रूव करना चाह रहा था कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि व्हाट इज द पाथ दैट यू हैव फॉलो टू ब्रिंग अबाउट दैट चेंज तो दैट इज वाई उसने यहां तक इतना लंबा चौड़ा लिख कर सिर्फ इतना ही एक्सप्लेन किया कि जो इंटरनल एनर्जी होता है वो एक स्टेट फंक्शन होता है केवल यही चीज उसने यहां तक डिफाइन करी है पहले मुझे बताओ है ना चैच में एक बार बता दो कि क्या ये चीज सबको अच्छे से क्लियर हुई या नहीं ठीक है बाकी अब मैं अपने तरीके से सिखाती हूँ ये उसने समझाया बहुत ही अच्छी बात है ध्यान से सुनना बच्चे अब मैं थोड़ा सा अपना जेई में किस तरीके के कि, अब जेई में कोई भी आपसे ये इतने बड़े बड़े ये जो इन्होंने है ना पैराग्राफ दे रखे हैं डेफिनेटली इन बड़े बड़े पैराग्राफ में से ऐस सच कोई सवाल नहीं आएगा आपको क्या आना चाहिए सीखिए जो हम इंटरनल एनर्जी डिफाइन करते हैं वी डिफाइन इंटरनल एनर्जी जिसको यू से डिफाइन करते हैं बच्चे ये इंटरनल एनर्जी ये दो चीज़ों का फंक्शन होता है इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम अगर मैं सिस्टम का टेम्परेचर चेंज करती हूँ या मैं सिस्टम का वॉल्यूम चेंज करती हूँ तो हमारी इंटरनल एनर्जी जो है चेंज हो जाती है पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन होता है ये अभी के लिए याद रखिए क्यों होता है अभी बाद में बताऊंगी ये एक स्टेट फंक्शन होता है स्टेट फंक्शन मतलब इसकी वैल्यू केवल इस बात पर डिपेंड करती है कि इनिशियल स्टेट क्या है इनिशियल स्टेट क्या है फाइनल स्टेट क्या है सो so, जो डिफरेंस आता है वो इसी बात पर डिपेंड करता है कि व्हाट इज द वैल्यू एट द स्टेट्स वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि क्या प्रोसेस आपने किया क्या पाथ से आपने प्रोसेस किया जो भी एनसीईआरटी में इन्होंने इतना बड़ा एक्सप्लेन कर रखा है दो वे से आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी करके देखेंगे इंटरनल एनर्जी सेम टू सेम आ जाएगी ठीक है ना इंटरनल एनर्जी क्या आ जाएगी सेम अब एक और छोटी सी चीज़ मैं आपको बताती हूँ बच्चे ये जो इंटरनल एनर्जी है ये आइडियल गैस के लिए क्योंकि मैं अभी फॉर टाइम बीइंग एनसीईआरटी की बात कर रही हूँ एनसीईआरटी में सिर्फ आइडियल गैसेस के लिए मेंशन कर रखा है तो इन्होंने क्लियर क्लियर आपको लिख रखा है कि इंटरनल एनर्जी केवल टेम्परेचर का फंक्शन होती है नथिंग एल्स इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन है केवल टेम्परेचर का तो अगर आइडियल गैस के लिए सपोज करो एक बॉटल में आपने आइडियल गैस ले रखी है ठीक है और आपने इसका कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर रख रखा है इसकी इंटरनल एनर्जी एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी आप कल को टेम्परेचर चेंज कर दो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी सो द वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको चार नंबर जेई मेंस में दिलाती है यहाँ से चार नंबर के सवाल आपके पेपर में पूछे गए हैं जनरली इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन है मगर आइडियल गैस के लिए क्योंकि मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्शन करते नहीं है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी रोल में प्ले आती नहीं मतलब पोटेंशियल एनर्जी उतना रोल प्ले करती नहीं है इसीलिए आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी को वी टेक एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली चमका ये सारी चीजें इन्होंने बहुत ऐसे लंबी लंबी डिटेल में लिख कर दे रखी है आखिर आपको समझना सिर्फ इतना है जो मैंने अभी आपको सिखाया द ओनली थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो इंटरनल एनर्जी है दैट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली ओनली दिस थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड पहले तो मुझे ये बताओ क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आई क्या ये बात सब बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गई आई होप यहां तक की कहानी सबको अच्छे से क्लियर हो गई है इंटरनल एनर्जी की कहानी क्लियर है यहां तक कहानी क्लियर है तो बताइए हम आगे बढ़ते हैं इंटरनल एनर्जी की कहानी क्लियर है अब बड़े ध्यान से देखिए कह रहे हैं एक दूसरा तरीका जिससे आप इंटरनल एनर्जी को समझ सकते हैं वो है वर्क वर्क और हीट ये दो चीजें होती है एक तो वर्क इन्होंने अभी आपको समझाया कि सिस्टम को कंप्रेस करो या एक्सपैंड करो दूसरे तरीके को क्या कहते हैं हीट हीट का मतलब है आपने किसी सिस्टम को गर्म किया ठीक है आपने किसी सिस्टम को क्या किया गर्म किया सो दैट इज नोन एज हीट हीट क्या है इट इज जस्ट अ मेथड ऑफ इट इज जस्ट गिविंग गिविंग एनर्जी एनर्जी देने के एक तरीके को ही हम क्या कहते हैं हीट ये बात चमकी एनर्जी देने के एनर्जी को प्रोवाइड करने के एक तरीके को ही हम क्या कहते हैं हीट ये बात ठीक है क्लियर हो गया तो so, कह रहे हैं वी कैन ऑल्सो चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम बाय द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और वाइस वर्सा कह रहे एक सिस्टम था एक सिस्टम था इसके अंदर आपने यहाँ पर गर्म करना शुरू कर दिया तो आपने सिस्टम को एनर्जी दी बाई हीटिंग इट एंड हेंस आपके सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज हो जाएगा तो वो कह रहे हैं कि किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के आपके पास दो तरीके हैं एक तरीका है कि आप सिस्टम पे काम करेंगे वर्क करेंगे दूसरा तरीका आप सिस्टम को हीट देंगे मैम ये बहुत अच्छा लग रहा है बच्चे लिखने में बहुत सुंदर लग रहा है ना ये पढ़ने में भी आपको फील आएगी मगर क्या ऐसे थ्योरी के क्वेश्चन पेपर में आएंगे नहीं पेपर में आपको क्या पता होना चाहिए ध्यान से सुनिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए साइन कन्वेंशन साइन कन्वेंशन क्या होता है बच्चे जब भी हम हीट देते हैं हीट गिवन टू द सिस्टम ये फिजिक्स में अलग है केमिस्ट्री में अलग है तो केमिस्ट्री में जब भी हम हीट सिस्टम को देंगे यानी कि जब भी मैं एंडोथर्मिक प्रोसेस करूंगी है ना तो हीट की वैल्यू पॉजिटिव अगर मैं लिखूं हीट गिवन बाय द सिस्टम अगर सिस्टम हीट दे रहा है तो उस उस तरीके की हीट को क्या कहेंगे नेगेटिव तो अगर कहीं पे प्लस फिफ्टी जूल लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि सिस्टम को हमने पचास जूल दिया अगर कहीं पे माइनस हंड्रेड जूल लिखा हुआ है इसका मतलब सिस्टम ने हंड्रेड जूल रिलीज किया सिमिलरली बच्चे हम केमिस्ट्री में बोलते हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम जब मैं सिस्टम पे काम करती हूँ तो वर्क डन पॉजिटिव लेते हैं अगर मैं लिखूं वर्क डन बाय द सिस्टम जब मैं सिस्टम सिस्टम काम करता है तो वर्क डन नेगेटिव यहां से एक चीज समझिए जब हम सिस्टम पे काम करते हैं सिस्टम मतलब एक डब्बा डब्बे के अंदर गैस और पिस्टन तो जब मैं सिस्टम पे काम कर रही हूं मैं कंप्रेस कर रही हूं तो वर्क डन ऑन द सिस्टम को क्या कहते हैं कंप्रेशन एंड हेंस केमिस्ट्री में कंप्रेशन वर्क को हम पॉजिटिव बोलते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम मतलब सिस्टम काम कर रहा है एक्सपेंशन उसको नेगेटिव बोलते हैं हीट गिवन बाय द सिस्टम मतलब एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो वर्क डन नेगेटिव चमका ये कहानी सब बच्चों को यहां तक अच्छे से क्लियर हो गई तो बताओ यही इन्होंने आईयूपे कन्वेंशन इस पूरे डब्बे में दे रखा है बट उसको मैंने शॉर्ट में आ, इस तरीके से सिखाया तो देखो केमिस्ट्री में जब जब आप सिस्टम का फायदा करते हो पॉजिटिव जब जब सिस्टम अपना नुकसान करता है तो नेगेटिव आप सिस्टम को गर्म करते हो तो हीट गिवन टू द सिस्टम पॉजिटिव सिस्टम खुद से एनर्जी रिलीज करता है अपने पैसे खर्च करता है नेगेटिव वर्क डन ऑन द सिस्टम मैंने सिस्टम पे काम किया पॉजिटिव वर्क डन बाय द सिस्टम बेचारे सिस्टम ने अपनी एनर्जी यूज करी तो वर्क डन क्या हो जाएगा नेगेटिव पहले तो मुझे ये बताओ क्या ये बात सबको अच्छे से क्लियर हुई अब मुझे एक बात बताना ध्यान से सुनना बच्चे मान लो आपके पास पहले एक सिस्टम था ठीक है मान लो मेरे पास पहले एक सिस्टम था उस सिस्टम की कुछ इंटरनल एनर्जी थी लेटर से यू वन उसके अंदर ऑलरेडी टेम्परेचर की वजह से सराउंडिंग के टेम्परेचर की वजह से कुछ एनर्जी थी जिसको इंटरनल एनर्जी बोलते थे यू वन अब मैंने इस सिस्टम को कंप्रेस किया मैंने ऐसे धक्का मारा यानी कि मैंने सिस्टम पे थोड़ा सा काम किया तो आई डिड वर्क ऑन सिस्टम समझ रहे हो और मान लो मैंने सिस्टम को गर्म भी किया मैं सिस्टम को धक्का भी मार रही हूँ काम भी कर रही हूँ और मैं सिस्टम को गर्म भी कर रही हूं तो मैंने कुछ हीट दी टू द सिस्टम तो डोंट यू थिंक कि अब उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी यू टू हो जाएगी उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी ना और यही चीज हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स कहता है कहता है जो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी है या फिर आप बोल सकते हैं जो भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी है इट इज इक्वल टू द सम ऑफ हीट एंड वर्क विच इज डन ऑन द सिस्टम कि आपने सिस्टम पे कितना हीट एक्सचेंज किया है या फिर सिस्टम पे आपने कितना काम किया है जो भी हीट और वर्क का टोटल है दैट विल बी शोन दैट विल बी रिफ्लेक्टेड एज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी चमका तो फॉर एग्जाम्पल जस्ट इमेजिन करो एक बच्चा है ना जब पैदा हुआ है उसके अंदर कुछ इंटरनल एनर्जी थी जिसकी वजह से वो हाथ पैर मार रहा था है ना अब आपने देखा है कि जब बच्चे पैदा होते हैं ना तो हम उनकी मालिश करवाते हैं है ना जोर जोर से उनकी मालिश करते हैं ताकि वो स्ट्रांग हो जाए तो हम उनके ऊपर काम करते हैं हम उनके ऊपर काम करते हैं सिमिलरली बच्चे को दूध पिलाया जाता है है ना उसको खाना खिलाया जाता है ठीक है तो हमने उनके ऊपर हीट दी लेटेस से हमने उसको हीट दी तो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी ना वो ताकतवर बनेगा तो जितना भी वो ताकतवर बना है दैट इज बिकॉज ऑफ द हीट एंड वर्क दैट यू हैव गिवन टू द सिस्टम चमका ये साथ साथ लेकर चलो आपको पूरी आसान लगेगी इस एनोलॉजी को साथ साथ लेकर चलो यू विल रियली बी एबल टू कोरिलेट एवरीथिंग इन थर्मोडायनेमिक्स आई होप ये बात सबको यहां तक समझ आ गई है और इसी पूरे लॉ को बोल बोलते हैं बच्चे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स ये कहता है द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कॉन्स्टेंट अभी बताती हूँ uh, पहली बात तो ये फर्स्ट लॉ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स ये कहता है कि जितना भी आपने इंटरनल एनर्जी में चेंज किया दैट विल बी इक्वल टू द चेंज इन द द वर्क डन ऑन द सिस्टम या बाय द सिस्टम प्लस द हीट एक्सचेंज टेकिंग प्लेस इज दोनों के सम को चेंज इन इंटरनल एनर्जी बोलेंगे अब इसके अलावा वो ये कहता है कि अगर आपके पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है आइसोलेटेड सिस्टम मतलब वो एकदम अकेला है ना तो उसमें कुछ मैटर का एक्सचेंज हो रहा है ना ही उसमें कुछ हीट का आदान प्रदान हो रहा है है ना आप कुछ भी चेंज नहीं कर रहे तो जब आप उसमें कुछ चेंज ही नहीं कर रहे तो उसकी एनर्जी तो कॉन्स्टेंट रहेगी यही कह रहे हैं वो कह रहे हैं द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कॉन्स्टेंट आइसोलेटेड सिस्टम मतलब उसके अंदर से कुछ ना चीज बाहर आ रही है ना अंदर आ रही है तो कह रहा है आइसोलेटेड सिस्टम की एनर्जी हमेशा ही कांस्टेंट होगी क्यों क्योंकि ना तो हम उस पर कोई काम कर पा रहे हैं ना उसकी हम एनर्जी चेंज कर पा रहे हैं सो दैट इज इज एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम चमका ये कहानी सब बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गई जल्दी से बताइए ठीक है डन सो दिस वॉज ऑल अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो अब देखो एनसीआरटी में यहां तक ये पहुंच गए हैं मगर अभी तक स्टेट और पाथ फंक्शन के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं लगा तो मैं अब यहां पे आपके पांच मिनट लेना चाहूंगी एंड आई वॉन्ट टू टीच यू समिंग रिलेटेड टू स्टेट फंक्शन ताकि आपको बारी 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 कंफ्यूजन ना हो देखो कॉन्सेप्ट पता होना अपनी जगह बहुत जरूरी है बट किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और उन क्वेश्चन को आप कैसे करते हैं ये पता होना उससे भी ज्यादा जरूरी है देखो बच्चे हमारे यहाँ पर केवल दो ही पाक फंक्शन हैं एक है हीट और एक है वर्क इन दोनों को हम क्या बोलते हैं पाथ फंक्शन क्योंकि इनकी वैल्यू डिपेंड करती है कि आप किस पाथ के थ्रू आपने ये प्रोसेस किया फॉर एग्जाम्पल बच्चे मान लो एक पहाड़ी है ठीक है ना मान लो एक पहाड़ी है और आप यहाँ पे नीचे खड़े थे ठीक है फिर आपने क्या किया यहाँ से आप चलते गए चलते गए चलते गए अब जैसे तुम कभी माता पे गए हो है ना वैष्णो देवी गए हो तो मैं आपको बताती हूँ जब भी तुम वैष्णो देवी जाओगे ना तो दो रास्ते हैं एक रास्ता ऐसे प्रॉपर ये वाला रास्ता है है ना एक ऐसे प्रॉपर रास्ता है ऐसे चढ़ चढ़ के आपको जाना होता है पहाड़ी पे दूसरा पगथिये बने हुए मतलब स्टेप्स बने हुए हैं कि आप स्टेप्स के ऊपर चढ़ चढ़ के जा सकते हो अब जब आप स्टेप से चढ़कर जाते हो ना तो कम डिस्टेंस आपको ट्रेवल करना होता है देखो रास्ते में तो सब कुछ ऐसे गोल 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 जाना पड़ेगा मगर जब आप स्टेप से जाओगे तो कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा ठीक है मगर आप पहले यहां थे आप यहाँ चोटी पे पहुंचे ठीक है पहले यहाँ थे फिर चोटी पे पहुंचे अब मेरी बात सुनो अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारी हाइट में कितना डिफरेंस है वट इज द डिफरेंस इन हाइट तो पहले कहोगे मैम यहाँ पे हमारी हाइट मान लो जीरो थी अब हम कुछ एक्स मीटर्स तक चले गए तो मैं पूछू हाइट हाइट क्या कहलाएगी एक स्टेट फंक्शन क्योंकि वो सिर्फ इस बात पर डिपेंड कर रही है कि तुम कहां पर हो तुम यहां पर हो या यहां पर हो दैट इज द हाइट या मैं पूछू तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट कितनी है इफ आई से डिस्प्लेसमेंट है हाँ ना तो डिस्प्लेसमेंट मतलब तुम यहाँ पे थे अब यहाँ पहले अब पहले पहले नीचे थे ऊपर चले गए जो डिफरेंस है दैट इज डिस्प्लेसमेंट ठीक है वो स्टेट फंक्शन है वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है तुम्हारी इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या है मगर अगर मैं पूछूं कि बच्चे तुमने कितना काम किया तुमने कितना पसीना बहाया है हाँ ना तुम कितना थके तुम्हारी थकावट कितनी हुई ये सारी इस चीज पे डिपेंड करती है कि तुम किस पाथ के थ्रू गए या तुम यहाँ से हेलीकॉप्टर से गए या यहाँ से यहाँ पैदल चल के गए या यहाँ से यहाँ घोड़े पे बैठ कर गए अलग अलग तरीके से तुम वैष्णो देवी के मंदिर जाते हो तुमने कितना काम किया तुमने कितना पसीना बहाया तुम्हें कितनी थकावट हुई ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि तुमने कौन सा पाथ चूज किया तो ऐसे फंक्शंस जो इस बात पे डिपेंड करते हैं कि आपकी इनिशियल स्टेट क्या है फाइनल स्टेट क्या है प्लस इस बात पे भी डिपेंड करते हैं कि किस पाथ के थ्रू आपने वो स्टेट अचीव करी तो इस तरीके के फंक्शंस को क्या बोलते हैं पाथ फंक्शन यानी कि हीट वर्क ये दो हमारे लिए पाथ फंक्शन है इनके अलावा पूरी दुनिया में तुम्हें जो भी कोई फंक्शन बोले ठीक है कोई प्रेशर बोल दे वॉल्यूम बोल दे टेम्परेचर बोल दे ठीक है कोई इंटरनल एनर्जी बोल दे इंटरनल एनर्जी कोई एंथेलिपी बोल दे और आगे चल के आप ना जाने कितने सारे फंक्शन पढ़ेंगे वो सारे के सारे फंक्शन क्या कहलाएंगे स्टेट फंक्शन क्योंकि उनकी वैल्यू केवल इस बात पर डिपेंड करती है कि आपका इनिशियल स्टेट और आपका फाइनल स्टेट क्या है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करती वट इज द पाथ दैट यू हैव फॉलो टू अचीव दैट स्टेट इससे सस्ता और तगड़ा एग्जाम्पल आपको कहीं नहीं मिलेगा ठीक है इससे सस्ता और तगड़ा एग्जाम्पल आपको कहीं नहीं मिलेगा मेरी एक और बात सुनो बच्चे जब जब मैं पाथ फंक्शन की बात करती हूँ मैं कभी भी डेल्टा डब्ल्यू या डेल्टा क्यू नहीं लिख सकती क्योंकि डेल्टा का मतलब होता है चेंज फाइनल इनिशियल मगर मैं पाथ फंक्शन को कभी फाइनल और इनिशियल स्टेट के बेसिस पे जज नहीं कर सकती चमक रहा है ना तो ध्यान से देखो अब एक और चीज बड़े ध्यान से समझेंगे सब बच्चे मान लो अगर मैंने थोड़ा सा चेंज किया वर्क में थोड़ा सा मतलब मैंने हीट एक्सचेंज दिया तो ये जो भी थोड़ा बहुत चेंज होगा दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये छोटा छोटा है और अगर मैंने इंटीग्रल ले लिया तो क्योंकि u एक स्टेट फंक्शन है तो यहां तो मैं डेल्टा u लिख सकती हूँ फाइनल माइनस इनिशियल मगर डी क्यू को इंटीग्रल को मैं कभी भी डेल्टा q प्लस डेल्टा w नहीं लिख सकती दिस इज नॉट अलाउड तो डी डब्ल्यू के इंटीग्रल को हम डब्ल्यू लिखेंगे डी क्यू के इंटीग्रल को क्यू लिखेंगे एंड डी यू के इंटीग्रल को डेल्टा यू लिखेंगे और इसी को हम फर्स्ट लॉ ऑफ बोलते हैं चमका सब बच्चों को तो अब एक फॉर्म्यूला आपने रट लिया है सबसे पहला फॉर्म्यूला जो मैंने आपको रटवाया है वो क्या है ये रट लो डी यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू हमेशा कभी भी क्वेश्चन में अटकोगे तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स ही डूबते का सहारा है है ना तो ये ये वही तीन है जो आपको डूबने से रोकेगा याद रखिए डी यूज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू या फिर डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू बाई द वे जिस एनसीईआरटी को आप हमेशा है ना ऐसा बोलते हो कि मैम क्या ही है बेकार है आपको मैं बता देती हूँ ये जो क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन है इसी से सिमिलर क्वेश्चन इसी से सिमिलर क्वेश्चन आपके जेई मेन्स के पेपर में पूछा गया है सिमिलर सिमिलर क्या मतलब नीट के पेपर में तो सेम क्वेश्चन पूछा गया है तो नीट में सेम और जेई में सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया है प्रॉब्लम नंबर 5.1 और एक अभी आगे चल के एक एनसीआर का और एग्जाम्पल आएगा उस प्रॉब्लम से और इस प्रॉब्लम को मिला के जेई और नीट का सवाल पूछा गया है सिंपल सा सवाल है बस आपको यह पता होना चाहिए डी यूज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू और साइन कन्वेंशन आने चाहिए ठीक है यहां तक इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो गई है अब हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसको बोलते हैं वर्क वर्क अब क्या होता है वर्क मतलब कैसे कराते हैं ये सारी चीजें वर्क के बारे में मैं आपको समझाती हूँ बड़े ध्यान से देखना वर्क की डेरिवेशन आपको फिजिक्स में कराते हैं एंड यू हैव टू डू द डेरिवेशन इन फिजिक्स ओनली मेरे लिए वर्क का क्या मतलब है मेरे लिए वर्क का मतलब यही है कि मान लो मेरे पास एक सिस्टम है ठीक है इसके अंदर मैंने कुछ हवा भर रखी है कुछ एयर है हमारे यहाँ पर कुछ गैस है यहाँ पर पिस्टन लगा हुआ है इसका कुछ वॉल्यूम होगा है ना मान लो इसका कुछ वॉल्यूम होगा होगा मतलब ये कुछ इसकी लेंथ है कुछ इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ठीक है कुछ लेंथ है कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है अब मेरी बात ध्यान से सुनना मुझे वर्क के डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है क्योंकि वर्क का डेरिवेशन केमिस्ट्री के टीचर्स की बजाय फिजिक्स के टीचर्स बहुत अच्छे से सिखाते हैं तो फिजिक्स में वर्क का डेरिवेशन आपने किया है मैं मान के चल रही हूँ आपको आता है मगर केमिस्ट्री में उसको यूज़ कैसे करना है ये मैं आपको सिखाती हूँ मान लो बच्चे यहाँ पर हमारे पास कुछ बाहर से प्रेशर लग रहा है इसको मैं पी एक्सटर्नल बोलती हूँ यहाँ पे कुछ हमने बाहर से प्रेशर लगाया पी एक्सटर्नल और मान लो अंदर जो प्रेशर है वो गैस का प्रेशर है तो उसको मैंने की पी गैस बोल दिया अगर आपको ये बात समझ आ रही है कि मैम अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा तो ये धीरे धीरे पिस्टन अंदर जाता जाएगा और अगर गैस का प्रेशर ज्यादा होगा तो धीरे धीरे पिस्टन बाहर की साइड जाएगा तो अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है तो कंप्रेशन होगी अगर इंटरनल प्रेशर ज्यादा है तो एक्सपेंशन होगी है हाँ ना तो जब आपने इस पिस्टन को थोड़े से वॉल्यूम से नीचे गिराया मान लो इतना वॉल्यूम आपने चेंज किया यू ब्रॉट अबाउट अ स्मॉल चेंज इन द वॉल्यूम लेट अस से डीवी तो जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इनटू डीवी मेरे ख्याल से हर एक बच्चे ने फिजिक्स में चाहे आपके स्कूल में चाहे कोचिंग में चाहे ट्यूशन में कहीं ना कहीं आपने ये चीज पढ़ी है

पहले अगर 100 मिलीलीटर वॉल्यूम था तो अब मैं 90 मिलीलीटर कर लिया तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा नेगेटिव और पी एक्सटर्नल तो पॉजिटिव होता है मगर मैंने आपको सिखाया था हमारी केमिस्ट्री में कंप्रेशन वर्क पॉजिटिव आना चाहिए तो इसीलिए मुझे बाहर से एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ा सो दैट ओवरऑल क्या आ जाए पॉजिटिव चमका मान लो मैंने किया एक्सपेंशन एक्सपेंशन मतलब पहले नब्बे था अब सौ हो गया मतलब वॉल्यूम में चेंज पॉजिटिव है चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव P एक्सटर्नल वैसे ही पॉजिटिव है और मुझे एक नेगेटिव साइन बाहर से लगाना पड़ा सो so दैट मेरा एक्सपेंशन वर्क क्या आ जाए नेगेटिव तो ये नेगेटिव सिर्फ यही बात को दर्शाता है है ना कि एक्सपेंशन वर्क है या फिर कंप्रेशन वर्क है इस चीज़ को समझने के लिए ताकि जो साइन कन्वेंशन हमने केमिस्ट्री के लिए बनाई है वो सब कुछ मैच कर जाए इसीलिए हम एक नेगेटिव साइन लगाते हैं बाकी इस पूरी डेरिवेशन ये आपको करनी नहीं है इन्होंने भी नहीं दे रखी है ज़्यादा ये दे रखी है कुछ कुछ आपको पूरी डेरिवेशन जो भी फिजिक्स में सीखोगे एनफ है जितनी भी फिजिक्स या केमिस्ट्री में जहां पर भी आपने डेरिवेशन सीख रखी है बहुत बढ़िया मुझे डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है मुझे सिर्फ एक ही चीज पता है कि बच्चे को यह आना चाहिए डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इन टू डी वी अब बड़े ध्यान से सब बच्चे मेरी बात सुनेंगे बड़े ध्यान से सारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे बच्चे मान लो है ना जब भी मुझे वर्क कराना है मैं दो तरीके से वर्क करा सकती हूँ जब भी मुझे वर्क कराना है मैं दो तरीके से वर्क करा सकती हूँ पहले इतना वॉल्यूम था ठीक है अब मुझे वॉल्यूम को यहां तक लेकर आना है मतलब मुझे कंप्रेशन करानी है मुझे क्या करानी है कंप्रेशन और मेरे पास कंप्रेशन कराने के बच्चे दो तरीके हैं सबसे पहला तरीका मैंने एक बड़ा सा पत्थर लिया है ना दस बीस किलो का पत्थर लिया इस पर रख दिया तो भैया क्या होगा जब तुमने इतना बड़ा पत्थर ले लिया ये पिस्टन सीधा नीचे आ जाएगी सीधा एकदम से इन वन स्टेप ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं इन वन स्टेप एक ही स्टेप में आपने रिएक्शन करा दी समझ रहे हो मगर दूसरा तरीका क्या था मैंने छोटी छोटी मि मिट्टी के कंकर लिए एक, एक करके एक एक करके मैं मिट्टी के कंकर डाल रही हूँ तो जैसे ही आपने मिट्टी का कंकर रखा तो क्योंकि बाहर का प्रेशर थोड़ा सा बड़ा हो गया तो वो अंदर जाएगा फिर अंदर का प्रेशर बढ़ गया तो वो इक्विलिब्रियम में आ गया वो वापस जाएगा मतलब फिर आपने दूसरा मिट्टी का कम कर लिखा फिर तीसरा मिट्टी का कम तो, तो तुम्हारी उम्र बीत जाएगी मगर अगर तुम इस तरीके से मिट्टी के छोटे 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 पत्थर डालते गए डालते गए डालते गए तो एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर ये पिस्टन कंप्रेस हो जाएगी चमकता है है ना इसको बोलते हैं वेरी वेरी स्लो प्रोसेस इसको क्या बोलते हैं वेरी वेरी स्लो प्रोसेस इसको क्या बोलते हैं फास्ट या फिर दूसरा नाम सडन प्रोसेस चमका अब यहाँ से हमारे दो वर्ड्स निकल के आते हैं एक होता है हमारा रिवर्सिबल वर्क एक होता है इरिवर्सिबल वर्क इन्होंने यहाँ दे रखा है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल कंडीशन पहले मैं समझाती हूँ फिर हम करेंगे एक होता है रिवर्सिबल एक होता है इरिवर्सिबल। बच्चे सपोज करो है ना सपोज करो हम कहते हैं ना कि जब लाइफ में आप कोई भी काम करते हो तो फूक फूक के कदम रखा करो क्योंकि अगर आप फूक फूक के कदम रखते हो तो जरा सी अगर कोई गलती आप लाइफ में करते हो तो बैक जाना आसान हो जाता है हाँ ना तो हमारे लिए बैक जाना आसान हो जाता है मगर अगर हम इतनी तेज काम करते हैं इतनी तेज कुछ हमने काम कर दिया तो हमारे लिए बैकवर्ड जाना आसान नहीं है एक और एग्जांपल लो सपोज करो बच्चे है ना मैं एक शराबी बन गई मैंने शराब वराब पी रखी है ठीक है मेरा सिर घूम रहा है अब वो फिजिक्स में ऐसी प्रॉब्लम भी तो थी ना वही वाली कहानी तो मान लो मैं ऐसे चल रही हूँ ठीक है मतलब मैं एकदम देखो मैंने पीनी है शराब कहीं समझो कि मैम ने ड्रिंक कर लिया ना 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 मतलब मैं अब एक्ट ऐसे करूंगी कि बड़ी धीमे धीमे चलूंगी तो देखो मैं यहां खड़ी हूं मैंने एक स्टेप आगे रखा फिर मैंने एक स्टेप पीछे रखा तो मुझे पता है कि मेरे आजू बाजू क्या है मैंने एक और स्टेप आगे रखा मैं एक और स्टेप पीछे रख रही हूं तो जब मैं इतनी धीरे 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 आगे चलूंगी तो मुझे मेरे एक एक कदम के बारे में पूरा आइडिया मुझे मेरे एक एक कदम के बारे में पूरा आइडिया है मैं यहां तक गई कोई मुझे कहे अब अब जिस पाथ से आए थे उसी पाथ से वापस जाओ तो मुझे पता है मैं ऐसे आई थी फिर मैं ऐसे गई फिर मैं ऐसे आई थी मुझे पूरा पाथ पता है पूरा पाथ मगर अगर मान लो है ना मैंने इतनी तेज कदम रखा ऐसे फटाफट फड़। और कोई मुझे कहे वापस जाओ तो अब मैं अपने पाथ को रिट्रेस नहीं कर सकती हूँ जब आप बहुत फास्ट जाते हैं आप अपने पाथ को रिट्रेस नहीं कर सकते हैं वापिस आ सकते हैं मगर सेम पाथ से वापस आए ऐसा नहीं होता तो इसी को बोलते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिवर्सिबल वर्क उस तरीके के काम को बोलते हैं जो बहुत ही स्लो कराया जाता है स्लो कराया जाता है जो इनफाइनाइट स्टेप्स में कराया जाता है जो हर पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में होता है मगर इरिवर्सिबल वर्क उस तरीके के काम को बोलते हैं जो बहुत ही फास्ट होता है जो बहुत ही सडन होता है जिसको हम बैकवर्ड नहीं लेकर जा सकते हम हर चीज रिवर्सिबल तरीके से कराना चाहते हैं बट डेफिनेटली रिवर्सिबल तरीके से काम करना

माइनस ऑफ़ पी एक्सटर्नल अगर मैं रिवर्सिबल तरीके से काम करा रही हूँ रिवर्सिबल तरीका मतलब मैंने एक पर्टिकुलर पत्थर रखा तो वो प्रेशर बढ़ा वो पिस्टन नीचे गई फिर ऊपर आ गई फिर पत्थर रखा पिस्टन नीचे गई ऊपर आ गई मतलब हर पॉइंट पे वो रिवर्सिबल है हर पॉइंट पे वो इक्वेलिब्रियम है तो क्या सब बच्चों को यह चमक रहा है कि मैम रिवर्सिबल में एक्सटर्नल प्रेशर और गैस का प्रेशर लगभग सेम होता है बट उनके अंदर थोड़ा सा स्मॉल चेंज इन प्रेशर होता है भाई एक्सटर्नल प्रेशर प्रेशर इज सिमिलर टू गैस का विद अ वेरी माइन्यूट डिफरेंस इन द प्रेशर तो क्या मैं इस चीज को उठा के यहां रख दू क्या डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी गैस प्लस माइनस डी पी इंटू डी वी आ गया बिल्कुल अब इसको पूरा खोलो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी गैस माइनस प्लस डी पी इंटू डी वी आ गया मैंने कहा बच्चे डी पी इतना छोटा था और वॉल्यूम में भी चेंज बहुत छोटा है तो दो छोटी चीजों को मल्टीप्लाई करोगे तो और ही छोटा हो जाएगा इसको नेग्लेक्ट कर दो तो मेरे पास डी डब्ल्यू क्या हो गया डी डब्ल्यू इज माइनस ऑफ पी गैस इंटू डी वी डी डब्ल्यू क्या हो गया माइनस ऑफ पी गैस इंटू डी वी अब क्योंकि जो मेरी गैस है उसको मैंने आइडियल माना है आइडियल माना है तो मुझे पता है कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी तो पी को क्या लिख सकते हैं एन आर टी वाई वी चमका एन आर टी वाई वी तो यहाँ सॉल्व करिए डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एनआर टी बाई वी डी वी और यहां से जब आप इंटीग्रल लेंगे आपके पास आएगा W इज इक्वल टू माइनस टू पॉइंट थ्री नॉट थ्री एन आर टी लॉग ऑफ वी टू बाई वी वन सो दिस इज द फॉर्मूला जो मैक्सिमम बच्चे रटते हैं W इज इक्वल टू माइनस एनआर टी एल एन वी टू बाई वी वन या माइनस टू पॉइंट थ्री नॉट थ्री एनआर टी लॉग ऑफ वी टू बाई वी वन ये फॉर्मूला तभी लगाना है अगर आपके पास एक आइडियल गैस हो वो रिवर्सिबल वर्क शो कर रही हो और मैंने माना कि टेम्परेचर कांस्टेंट है तभी तो टेम्परेचर को मैं बाहर ले आई तो इस तरीके के प्रोसेस को बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस मैंने कल भी सिखाया था आइसोथर्मल प्रोसेस उस प्रोसेस को बोलते हैं जहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो इस फॉर्मूला को जो हम रट लेते हैं और हर जगह लगाते हैं इस फॉर्मूला को लगाने से पहले चेक कर लेना कि क्या आपके पास गिवन एक आइडियल गैस है क्या वो रिवर्सिबल वर्क कर रही है क्या वो आइसोथर्मल प्रोसेस फॉलो कर रही है देन ओनली यू कैन यूज द फॉर्मूला अदरवाइज आप ये फार्मूला यूज नहीं कर सकते चमका सबको फॉर्म्यूला आता है आपके टीचर्स ने भी सिखाया है मैं मानती हूं मगर हम आंखें बंद करके लगाते हैं कर बल के लिए बच्चा फॉर्मूला लगा रहा है आइसोथर्मल है नहीं तब भी बच्चा फॉर्मूला लगा रहा है ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए अगर आप वर्क डन निकालना चाहते हैं एक आइडियल गैस का आइसोथर्मल कंडीशन में रिवर्सिबल प्रोसेस में फॉर्मूला है माइनस टू पॉइंट थ्री नॉट थ्री एनआरटी एल एन वीटू बाई वीवन ठीक है अब ध्यान से देखिए अब आपको ना यहाँ पे दो स्टेप्स नजर आ रहे होंगे दो तरीके से ग्राफ हुआ, से समझना। ये दो तरीके से ग्राफ का क्या मतलब है, समझना, है समझना, ना? कहते है, आपने एक piston ली और इसके अंदर हमने गैस रखी मैंने पहले एक किलो का पत्थर लिया तो वो नीचे गई पिस्टन इतनी नीचे आ गई गई फिर मैंने एक आधा किलो का पत्थर लिया पिस्टन इतनी आई होगी फिर मैंने तीन किलो का पत्थर लिया पिस्टन यहां आ गई फिर मैंने चार किलो का पत्थर लिया पिस्टन यहाँ आ गई फिर मैंने आधा किलो का पत्थर लिया पिस्टन यहाँ आ गई मतलब मैं हर स्टेप पे इतने भारी भारी पत्थर लग रही हूँ तो मैंने पूरा का पूरा जो कंप्रेशन कराया उनको स्टेप्स में कराया फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में कराया चार किलो एक किलो आधा किलो तीन किलो और हर जो स्टेप है अपने आप में इरिवर्सिबल है तो इस तरीके से जब मैं प्रेशर और वॉल्यूम में चेंजेस करूंगी तो आई एम डूइंग द चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ स्टेप्स एक एक स्टेप में तो देखो पहले प्रेशर इतना था मैंने एकदम से प्रेशर को लेटर से घटा दिया मैंने एकदम से प्रेशर को घटा दिया फिर मैंने प्रेशर रखा फिर घटा दिया फिर कॉन्स्टेंट रखा फिर घटा दिया फिर रखा घटा दिया या ऐसे तो अगर आपका ग्राफ है ना अगर आप प्रोसेस को स्टेप्स में कराते हैं फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में तो इस तरीके से आएगा मगर अगर मैंने इसी प्रोसेस को ऐसे एक एक किलो के पत्थर नहीं रखे मैंने छोटा सा कंकर रखा फिर एक और कंकर एक और कंकर एक और कंकर एक और कंकर मतलब मैं प्रेशर और वॉल्यूम में बहुत चोटे चोटे बहुत छोटे 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 चेंजेस ला रही फॉर एग्जाम्पल ऐसे ऐसे दिख रहा है मैं प्रेशर वॉल्यूम प्रेशर वॉल्यूम को बहुत माइन्यूट 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 चेंज कर रही हूं तो वो ऐसे हमें लगता है एज ऐसे मैं एक रिवर्सिबल तरीके से काम करा रही हूं तो ये जो ब्लैक कलर की मोटी वाली लाइन मैंने बनाई ये इस तरीके को रिप्रेजेंट करती है कि हमारा रिवर्सिबल वर्क है और जो ये जो ऐसी है है ना स्टेप्स वाली लाइनें बना रही हूं, ये ये रिप्रेजेंट करता है कि वर्क हमारा क्या है चमका सबको तो कभी भी वैसे तो देखो रिवर्सिबल का पाथ मैं नहीं ट्रेस कर सकती मुझे नहीं पता मैंने कितने पॉइंट पे कितने कितने छोटे छोटे पत्थर रखे हैं तो इसीलिए रिवर्सिबल वर्क को क्या बोलते हैं कि ये इनफाइट स्टेप्स में कराया गया काम है अब एक बात बताओ अगर मेरा वर्क इन है सपोज करो माई वर्क डन इज इन तो मेरा फॉर्मूला क्या रहेगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इन टू डीवी अगर इन है इन का मतलब विच इज डन अगेंस्ट कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर विच इज डन अगैन कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर कि बाहरी प्रेशर कॉन्स्टेंट है दस किलो का पत्थर रख दिया कॉन्स्टेंट प्रेशर पे तो जब आप इंटीग्रल लेंगे इस पी एक्सटर्नल को बाहर निकाल लीजिए क्या आ जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इन टू डी वी अब डी क्या आ जाएगा वर्क डन तरीके से एक्सटर्नल तो आपको गिवन होगा चुपचाप से वी टू माइनस वी वन ये फॉर्मूला केवल तभी लगाना है अगर आपके पास इरिवर्सिबल वर्क हो रहा हो चमका ये फॉर्मूला तभी लगाओगे अगर वर्क डन क्या है इरिवर्सिबल रिवर्सिबल चमका मैम सच बताना आपका बाउंस बैक काफ़ी है ना जेई एडवांस के लिए बच्चे मैम की बात पे अगर विश्वास नहीं है ना तो एक बार बाउंस बैक के नीचे जाके जो कमेंट्स लिखे होते हैं ना बच्चों के मैं तो नहीं जानती कई कई वीडियोस के कितने लाखों में व्यूज़ है ना इतने लाख बच्चों को तो मैं नहीं जानती तो अगर मैं हर क्लास में बोलती हूँ कि तसली से करो मैं मैं तो इसको भी सफिशियंट बोल रही हूँ तुम्हारे जई मेन्स में अस्सी नंबर आ जाएंगे तो बाउंस बैक में तो मैंने बहुत एडवांस पढ़ाया था तो बिल्कुल अनफ है मगर करने वाले बनो ऐसा नहीं कि आज कर रहे हैं छः दिन नहीं कर रहे तो कुछ नहीं होगा तो तुम मतलब करोड़ भी फीस दे दो ना किसी को कोचिंग में तो भी नहीं होगा तुम्हारा सिलेक्शन बस सिलेक्शन एक ही चीज़ पे होगा कि अगर किसी बच्चे ने कंसिस्टेंटली पूरा सिलेबस कंप्लीट किया कंसिस्टेंटली करो मेहनत करो हर रोज करो बिना रुके करो गिरोगे दैट इज ओके मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आएंगे दैट इज ओके बट करते चलो करते चलो करते चलो अपने आप ये में सिलेक्शन हो जाएगा कोई भी एक सीरीज कोई भी एक टीचर को किसी को भी मैं ये नहीं कहती सिर्फ मुझे फॉलो करो जिस भी टीचर को तुम फॉलो करो ना कंसिस्टेंटली करो भाई पूरा का पूरा जो खेल है ना वो है कंसिस्टेंसी का ठीक है सिर्फ कंसिस्टेंसी का दस लाख बच्चा पेपर देगा ना तो क्या दस लाख को आई में सिलेक्शन मिलेगा नहीं आ, दस हज़ार को भी नहीं मिलता दस हज़ार की भी जिसकी रैंक आ रही है ना वो भी बाद में सोचता है यार कौन सी ब्रांच लूँ कुछ मिल ही नहीं रहा तो अगर दस लाख में से तुम्हें पहले पाँच या छः हज़ार में आना ना तो उसके लिए कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जो तुम्हें उन दस लाख बच्चों से डिफ्रेंशिएट करता है और वो एक ही चीज़ है तुम्हारी हार्डवर्क तुम्हारा मेहनत इसके अलावा कुछ नहीं इसके अलावा कुछ नहीं चमक गया ये सारी चीजें जो डेरिवेशन इन्होंने कर कर दी उसको मैंने अपने तरीके से यहां पर सिखा दिए तो नाउ यू डू नॉट हैव टू डू ऑल द डेरिवेशन अगैन जितनी जितनी डेरिवेशन डेरिवेशन के नीचे जो रिजल्ट है रिजल्ट के नीचे जो पॉइंट्स टू रिमेंबर हैं जो भी मैं यहाँ पर लिख कर आपको बता रही हूं अगर इतना भी आपने कर लिया मेन का यहीं से सवाल बनेगा इससे बाहर नहीं जाता चमका एक और चीज देख लीजिए इसको बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन फ्री एक्सपेंशन का मतलब एक पिस्टन मतलब एक डब्बा डब्बे में गैस गैस के ऊपर पिस्टन और यहां पर ये भाई मान लो वर्क डन का वही होगा देखो मैं हमेशा वहीं से स्टार्ट करती हूँ माइनस पी एक्सटर्नल डीवी मान लो मैंने कहा बाहर वैक्यूम है। वैक्यूम है है मतलब बाहर कोई प्रेशर नहीं है वैक्यूम का मतलब यही होता है कि एक्सटर्नल प्रेशर जीरो तो भैया अगर एक्सटर्नल प्रेशर जीरो हो गया तो कुछ भी कर लो वर्क डन क्या है जीरो तो ओवरऑल वर्क डन क्या हो जाएगा जीरो चमका ओवरऑल वर्क डन क्या हो जाएगा जीरो चमका अब यहां से मैं जेई मेन्स का सवाल बताती हूँ यहां से जेई मेन्स का सवाल बताती हूँ मुझे एक बात बताओ अगर मेरे को डेल्टा यू निकालना है विच इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू यही होता है ना डेल्टा यू इज क्यू प्लस डब्ल्यू ठीक है मान लो मैंने एक आइसोथर्मल प्रोसेस कराया आइसोथर्मल प्रोसेस ठीक है आइसोथर्मल प्रोसेस में मैंने फ्री एक्सपेंशन कराई और मैं पूछ रही हूँ व्हाट इज द हीट एक्सचेंज टेकिंग प्लेस इन द प्रोसेस ये जेई मेन्स का सवाल है आपको दिया हुआ है आइसोथर्मल प्रोसेस है फ्री एक्सपेंशन करा रहे हो बताओ हीट में क्या एक्सचेंज है मैंने कहा मैम मैं अगर फ्री एक्सपेंशन करा रहे हैं आपने सिखाया वर्क डन जीरो है तो आपका क्वेश्चन बन गया डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू फिर आपने ही मुझे सिखाया था कि इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली आइडियल गैस के लिए हमने ये रट्टा मारा था इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली तो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है मैम टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो डेल्टा यू भी जीरो यानी कि क्यू जीरो और बच्चे अगर आपके किसी प्रोसेस में हीट का भी एक्सचेंज नहीं होता तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं प्रोसेस अब ध्यान से सुनिएगा एडियाबैटिक प्रोसेस उस प्रोसेस को बोलते हैं जहां पर हीट एक्सचेंज जीरो है देर इज नो हीट एक्सचेंज फॉर एग्जाम्पल आपने यहां पर एक डब्बा रखा चलो इस डब्बे में तुम खुद बैठ गए और डब्बे की दीवार तुमने एडियाबैटिक बना दी क्या बना दी एडियाबेटिक एडियाबेटिक दीवार उस दीवार को कहते हैं कि बाहर अगर तुमने सूरज भी रख दिया है ना सन भी रख दिया सन और इतनी हीट है तो भी तुम जलोगे नहीं क्यों क्योंकि यहां से कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगी इस तरीके की दीवार को क्या बोलते हैं एडियाबेटिक एडियाबेटिक वॉल और इस तरीके के प्रोसेस व्हेन देयर इज नो हीट एक्सचेंज टेकिंग प्लेस इस तरीके के प्रोसेस को बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस ठीक है तो आइडियल गैस के लिए क्या ये बात सब बच्चों को अच्छे से चमकी कि मैम अगर हमारे पास एक आइडियल गैस है उसके लिए मैं फ्री एक्सपेंशन करा रही हूँ अगर मैंने फ्री एक्सपेंशन कराया ठीक है आइसोथर्मल प्रोसेस से आइसोथर्मल प्रोसेस से तो वही प्रोसेस एडियाबेटिक भी कहलाएगा अब ये सवाल जेई मेंस के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है पहले भी पूछा गया है आगे भी पूछा जाएगा ये बारीक चीजें समझ लो तो पूरे चैप्टर में कुछ है नहीं ये वही फॉर्मूला इन्होंने कर कर दिखा रखा है बारी बारी सो आई थिंक वी आर ऑलरेडी डन विद ऑल दीज फॉर्मूला फॉर्मूला की डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन है यहां पर मैंने तीन फॉर्मूला आपको सिखाए हैं तीनों फॉर्मूलाज दिमाग में रखना स्टार्ट हमेशा हमेशा स्टार्ट करोगे डी डब्ल्यू इज माइनस पी एक्सटर्नल डी यहीं से स्टार्ट करोगे डेरिवेशन की जरूरत नहीं है फिर अगर आपको आइडियल गैस रिवर्सिबल वर्क आइसोथर्मल प्रोसेस दे रखा है तो माइनस टू पॉइंट थ्री नॉट थ्री एनआरटी एल एन वी टू बाई वी वन ठीक है अगर आपको इ रिवर्सिबल वर्क दे रखा है तो डब्ल्यू इ रिवर्सिबल इिवर्सिबल इज माइनस पी एक्सटर्नल वी टू बाई वी वन ये हो गया अगर फ्री एक्सपेंशन दे रखा है तो वर्क डन को जीरो कर दो अगर आइडियल गैस है तो यू इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली तो ये छोटी छोटी चीजें जो मैंने यहां पर लिखवाई हैं अगर इतनी भी याद हो जाएंगी तो पूरी एनसीईआरटी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है ठीक है अब मेरी बड़े ध्यान से बात सुनना बच्चे सपोज करो अब वही जो छोटे बच्चे वाला एग्जाम्पल लिया था उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करती हूँ ठीक है ना उसी एग्जाम्पल को मैं कंटिन्यू करूंगी जो छोटे बच्चे वाला एग्जाम्पल हमने लिया एक मिनट थोड़ा पानी पीने दो फिर करते हैं <coughs> मान लो एक छोटा बच्चा पैदा हुआ एक छोटा सा नन्ना मुन्ना बच्चा पैदा हुआ ठीक है एक छोटा सा नन्ना मुन्ना बच्चा पैदा हुआ इसकी कुछ इंटरनल एनर्जी थी यू ठीक है इसकी कुछ इंटरनल एनर्जी थी यू अब ये जब बच्चा बड़ा होगा ठीक है पहले जब ये पैदा हुआ था इसने पूरी दुनिया का सिर्फ इतना सा पार्ट ऑक्यूपाई किया ना जब ये पैदा हुआ इसने पूरी दुनिया का सिर्फ इतना सा पार्ट ऑक्यूपाई किया अब जब ये बड़ा होगा तो ये ज्यादा जगह ऑक्युपाई करेगा समझ रहे हो जब ये बड़ा होगा ये ज्यादा जगह ऑक्युपाई करेगा तो क्या आपको ये बात समझ आ रही है कि मैम अब इसको बड़ा होने के लिए इसको एक्सपैंड करने के लिए इसके ऊपर कुछ प्रेशर वॉल्यूम वर्क किया होगा इसके ऊपर कुछ प्रेशर वॉल्यूम वर्क किया होगा तो जो भी आपने प्रेशर वॉल्यूम वर्क इस सिस्टम पे करा अब वो उसकी इंटरनल एनर्जी में ऐड होके क्या बन जाएगी उसकी टोटल एनर्जी और इसी टोटल एनर्जी को क्या बोलते हैं एंथेलिपी ध्यान से सुनना अगर बुकिश डेफिनेशन की बात करूं तो यहां कहीं लिखा होगा कि एंथेलिपी इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस द प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन ऑन द सिस्टम अब दोबारा इस चीज को समझो सपोज करो मेरे पास एक डब्बा था मेरे पास एक डब्बा था इसकी कुछ इंटरनल एनर्जी थी इसके अंदर गैस थी पिस्टन थी इसकी कुछ इंटरनल एनर्जी थी लेटर से यू अब सिस्टम ने अपनी जगह बनानी है सराउंडिंग के अंदर तो मैंने इस पर प्रेशर या वॉल्यूम वर्क प्रेशर वॉल्यूम वर्क कराया इसको एक्सपैंड कराया इसको कंप्रेस कराया जो भी मैंने सिचुएशन करी तो जब भी मैंने एक्सपेंशन या कंप्रेशन जो भी प्रेशर वॉल्यूम वर्क मैंने सिस्टम पे कराया सो so दैट ये सिस्टम अपनी जगह का निर्माण कर सके इस पूरी दुनिया में है ना अब पहले ये इतना सा था अब इसने एक्सपैंड किया इसने जगह ऑक्यूपाई करी तो उसको करने के लिए काम करना पड़ा ना तो जो भी इस सिस्टम पे आपने प्रेशर वॉल्यूम वर्क किया दैट इज एडेड टू द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड हेंस नाउ यू कैन कैलकुलेट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम तो जो सिस्टम की टोटल एनर्जी होती है उसी को ही हम एनथेलिपी बोलते हैं जिसका सिंबल क्या होता है एच उसी को क्या बोलते हैं एनथेलिपी जिसका सिंबल है एच अब इन्होंने एक तरीके से डेरिवेशन करके दे रखी है अपने को ये डेरीवेशन नहीं करनी मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सीखो जो आपको जेई मेन्स और नीट में काम आती है मुझे पता है एच इज अ फंक्शन ऑफ अभी पहले ये देखो एच इज यू प्लस पी वी तो अगर मुझे थोड़ा सा एनथेलपी में चेंज चाहिए दैट विल बी इक्वल टू स्मॉल चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस स्मॉल चेंज इन प्रेशर वॉल्यूम दिस इज द फॉर्मूला ये एनसीईआरटी में नहीं एक्सप्लेन कर रखी चीज़ें मगर क्वेश्चन यहां से बनते हैं तो अगर मुझे ओवरऑल चेंज निकालना है तो मैं लिखूंगी डेल्टा एच इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी ये नहीं रटते बच्चे उनको नहीं पता होता ये उनको एक ही चीज़ रटी होती है डेल्टा एच इज डेल्टा यू प्लस पी डी वी कहाँ से आया कब लगेगा कैसे लगेगा हमें पता ही नहीं है तो याद रखो अगर आपको किसी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी गिवन है फाइनल यू टू इनिशियल ठीक है और अगर मुझे सिस्टम का इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम दोनों गिवन है तो मैं पता है इंटरनल एनर्जी का चेंज एनथेलिपी का चेंज कैसे निकालूंगी डेल्टा एच डेल्टा यू प्लस यहां लिखूंगी पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन बहुत बार जय मेन में ये सवाल पूछा गया दो वॉल्यूम दो प्रेशर दे रखे तो बच्चा वही सोच रहा डेल्टा है डेल्टा 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 एच इज यू प्लस पी वी दिस द मेन फॉर्मूला बट अगर, अगर आपको क्वेश्चन में दिया है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रेशर कॉन्स्टेंट कर दिया नाउ द फॉर्मूला चेंजेस डेल्टा एच इज डेल्टा यू प्लस पी टाइम्स डेल्टा वी ये फॉर्मूला तब लगाना है अगर प्रेशर कॉन्स्टेंट दे रखा हो अगर प्रेशर कॉन्स्टेंट ही नहीं है तो चुपचाप से डेल्टा एच इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी लगाएंगे क्या ये बात सब बच्चों को अच्छे से चमकी एनथेलिपी क्या होता है विच इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क ठीक है अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुन, सुनना सीखना समझना बच्चे एक चीज़ होती है है ना एक चीज होती है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू डेल्टा यू क्या है क्यू प्लस डब्ल्यू अब मैं इसको लिखूंगी डेल्टा यू इज क्यू प्लस डब्ल्यू को क्या लिखूंगी माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी वी ठीक है अब ध्यान से देखना अगर मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट है अगर मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डीवी जीरो वर्कडन जीरो ये पूरा वर्क डन जीरो तो क्या मैं बोल दूंगी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द हीट चेंज एक्सटेंज हीट एक्सचेंज टेकिंग प्लेस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है यहां से जेई और नीट के सवाल आते हैं चार चार नंबर फ्री में मिलते हैं जिसको ये पता हो तो यहां पे एनसीईआरटी में देखो ये दे रखा है कैसे की वे बच्चे को नहीं पता तो मैंने आपको ये पूरा डेरिवेशन करके दिखाया आपको पता है डेल्टा यू इज क्यू प्लस डब्ल्यू अगर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है तो ये पार्ट हट जाएगा तो क्या मैं हीट के नीचे मतलब एक्सचेंज हीट एक्सचेंज के नीचे लिख दूं कि दिस इज द हीट एक्सचेंज टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो कई बार वो आपको ये लिख कर देता है कि द हीट एक्सचेंज टेकिंग प्लेस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज दिस आपको उसने क्यूवी की वैल्यू दी मगर बच्चे को लगता है कि हीट एक्सचेंज टेकिंग प्लेस का मैं क्या करूं वो कुछ नहीं वो हीट एक्सचेंज टेकिंग प्लेस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के माध्यम से आपको ये कहना चाह रहा है कि मैंने तुमको डी दिया है आगे देखो आगे एक होता है डीएच इज इक्वल टू डी यू प्लस पी टाइम्स डीवी यही आपने किया था डीएच इज डीयू प्लस पी टाइम्स डीवी अब बड़े ध्यान से देखना ऐसे ही आगे चलकर मैं आपको यह सिखाऊंगी पहले तो यह लिख लो चलो आगे चल के सिखाऊंगी एक तो आपने ये चीज सीखी द हीट एक्सचेंज टेकिंग प्लेस एट दीट वॉल्यूम इज डी सिमिलरली थोड़ी देर बाद मैं सिखाऊंगी द हीट एक्सचेंज टेकिंग प्लेस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज डेल्टा एच याद रखिए जो भी हीट एक्सचेंज हो रहा है कॉन्स्टेंट प्रेशर पर हो रहा है हीट एक्सचेंज टेकिंग प्लेस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इसको क्यूपी बोलते हैं सो so,

अगर किसी प्रोसेस का डेल्टा एच पॉजिटिव है यानी कि हीट आपने दी है ओवरऑल तो उस प्रोसेस को एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं आई होप ये दोनों चीजें चमकी होंगी ये देख लो अगर क्यूपी नेगेटिव है मतलब हीट एक्सचेंज टेकिंग प्लेस एट कॉन्टेंट प्रेशर इज नेगेटिव मतलब अगर सिस्टम हीट दे रहा है तो डेल्टा एच क्या है नेगेटिव यानी कि प्रोसेस क्या है एक्सोथर्मिक अगर क्यूपी पॉजिटिव है हमने सिस्टम को हीट दी मतलब हमारा प्रोसेस क्या है एंडोथर्मिक ये बात क्लियर है ये बात क्लियर है अब एक बहुत ही प्यारा सा शॉर्टकट बताती हूँ ध्यान से देखना ठीक है ना ये बहुत ही प्यारा सा शॉर्टकट है मतलब शॉर्टकट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं आपको ये सिखाना चाहती हूँ कि ये कब कब आपने यूज करना है मेरी बात सुनो बच्चे कभी भी अगर आपके क्वेश्चन में एक केमिकल रिएक्शन दी हो क्या दी हो आपके क्वेश्चन में एक केमिकल रिएक्शन तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि मैम डेल्टा और कभी भी क्वेश्चन डेल्टा एच और डेल्टा यू का पूछा तो आपको पता है डेल्टा एच इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी अगर केमिकल रिएक्शन में गैशियस कॉम्पोनेंट है तो हमें सॉलिड और लिक्विड की बात नहीं करनी हमें केवल गैसेस की बात करनी है गैस में भी मैं क्या मान लूंगी आइडियल गैस तो मैं लिखूंगी डेल्टा एच इज डेल्टा यू आइडियल गैस के लिए डेल्टा पीवी क्या हो जाएगा एनआरटी चमका जितनी भी हमारी केमिकल रिएक्शन होती है हम कोशिश करते हैं उनको एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर कैरी आउट कराने के लिए तो आपके पास एक फॉर्मूला आएगा डेल्टा एच इज डेल्टा यू प्लस आर और टी को बाहर ले लीजिए डेल्टा एन और कौन सा डेल्टा एन गैस का एंड हेंस ये जो फॉर्मूला आता है देखो जो इन्होंने यहां लिख रखा है डेल्टा एच इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी ये फॉर्मूला आपको तभी यूज करना है अगर आपके पास कभी भी एक केमिकल रिएक्शन दे रखी हो और ये जो डेल्टा एन जी होता है इसका नम, मतलब होता है कि गैशियस साइड पे मतलब प्रोडक्ट साइड पे गैस कितने हैं माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस गैशियस सब्सटेंसेस इन द रिएक्टेंट साइड फॉर एग्जांपल आपको जब भी जैसे क्वेश्चन है ठीक है एक क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कह रहा है इफ वाटर वेपर इज एज्यूम्ड टू बी अ परफेक्ट गैस आपसे तो ये मुझे दिख गया मुझे इक्वेशन दिख गई केमिकल इक्वेशन सबको केमिकल इक्वेशन दिखी नजर आई कि मैं अब ये केमिकल रिएक्शन है तो इसके प्रोडक्ट साइज पे गैस कितने हैं वन रिएक्टेंट साइड पे गैस कितने हैं जीरो तो डेल्टा की वैल्यू कैसे निकालते हैं वन तो डेल्टा एनजी क्या होता है नंबर ऑफ गैशियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स आपको कभी भी सॉलिड्स और लिक्विड को कंसीडर नहीं करना केवल सब्सटेंसेस को ही कंसीडर करना है बच्चे आपके आप जनरली मैक्सिमम बच्चे ये बोलते हैं कि मैम हम ये चैप्टर छोड़कर चले जाए मैम थर्मोडाइनेमिक्स बड़ा मुश्किल है क्या हम ये चैप्टर स्किप कर सकते हैं मैं हर बच्चे को बोलती हूँ कि यार चैप्टर स्किप मत करो मेंस और नीट के लिए कोई चैप्टर स्किप नहीं करना चाहिए जो चीज़ें यहाँ लिखवा रही हूँ ना इतनी ही चीजों में से आपका मेंस का सवाल बनता है तो बहुत गहराइयों में नहीं करना चाहते दैट इज अ डिफरेंट थिंग कि मैम हमें बहुत ज्यादा तो थर्मोडाइनेमिक्स नहीं आती एडवांस लेवल की बट हमारा मेन्स पुरतू आ जाए मतलब मुझे मेन्स जितना आ जाए तो यू नीड टू डू दिस जितना लिखवा रही हूँ इतना कर जाओ अच्छे से कर जाओ अपने आप जय मेन्स और नीट के सवाल बनेंगे चमका ठीक है डन डेल्टा एच और डेल्टा यू का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है वो आपके सामने है यहां से फॉर श्योर sure चार नंबर का सवाल बनता ही बनता है मोस्ट कॉमन है जितना मैं करा रही हूं ना इसके बाद अगर किसी ने ये एनसीईआरटी के एग्जांपल्स भी कर लिए एग्जांपल्स नहीं करने पीवाई कर लो कोई भी एक साल के पीवाई कर लो ठीक है अस्सी प्रतिशत पीवाई क्यूज मेन्स के तुम्हारे से बन जाएंगे केवल आज की सेशन के बेसिस पे तो कोई भी बच्चा थर्मोडायनेमिक्स के सौ क्वेश्चन उठा ले फॉर एग्जाम्पल आज आपने सेशन अटेंड किया दो घंटे का ठीक है दो घंटे के सेशन के बाद सौ क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स के उठा लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई भी साल के ले लो तुमने कोई भी सौ रैंडम ले लिए और अगर करने बैठोगे ना अस्सी क्वेश्चन तुमसे बन जाएंगे सिर्फ जो भी मैंने यहाँ पे लिखवाया है इनके बेसिस पे दस पंद्रह परसेंट ऐसे टॉपिक्स हैं जेई मेन्स के जिनके लिए बच्चों को फाइट करने की जरूरत है मगर हमेशा हम उन पंद्रह को फोकस करने के चक्कर में अस्सी से हाथ गवा देते हैं ना तो अस्सी परसेंट को पहले टारगेट करो फिर जो टेन फिफ्टीन परसेंट रह जाएगा वो तो आप कर ही लेंगे ठीक है अब एक नया टॉपिक हमें गिवन है वो है एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी ये भी मैं आपको समझाती हूँ बच्चे अगर मैं बुकिश लैंग्वेज की बात करूं तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी उन प्रॉपर्टीज को कहते हैं जो मास डिपेंडेंट होती हैं जो मास डिपेंडेंट होती हैं और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज उनको कहते हैं जो मास इंडिपेंडेंट होती है उनको कहते हैं जो मास इंडिपेंडेंट होती है बाय द ये इससे समझना बड़ा मुश्किल है तो मैं एक नए तरीके से समझाती हूँ बच्चे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो एडिटिव होती हैं और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो जो नॉन एडिटिव होती है मैम एडिटिव और नॉन एडिटिव का मतलब ध्यान से देखिए फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारा रूम है कमरा जिसमें तुमने ए सी चला रखा है ठीक है और ए सी का टेम्परेचर तुमने लेटेस्ट मेंटेन कर रखा है बीस डिग्री पे ठीक है बीस डिग्री पे बहुत ठंडा कर रखा है तुमने कमरा अब मुझे एक बात बताओ अगर मैंने है ना कमरे में एक पर्दा लगा दिया पर्दा लगा दिया केवल एक पर्दा लगा दिया तो क्या मेरे कमरे का टेम्परेचर दस और दस हो जाएगा क्या मेरे कमरे का टेम्परेचर दस और दस हो जाएगा नहीं नहीं होगा ना नहीं होगा अगर मैंने कमरे के चार टुकड़े कर दिए तो क्या मेरे कमरे का टेम्परेचर पाँच 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 हो जाएगा नहीं यानी कि टेम्परेचर एक ऐसी प्रॉपर्टी है अगर तुमने रूम का टेम्परेचर फिक्स कर रखा है तो रूम के छः दस बारह पंद्रह हिस्से करने से भी टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो ये नॉन एडिटिव है टेम्परेचर को हम फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव ट्वेंटी नहीं कर सकते वी कैन नॉट एड इट सिमिलरली अगर तुम्हारे कमरे में प्रेशर वन ए एम है तो क्या हम कमरे में पर्दा लगा के अगर आधा आधा कर दिया तो क्या प्रेशर आधा आधा ए हो जाएगा नहीं क्या प्रेशर वन बाई फोर हो जाएगा नहीं नहीं होगा ना नहीं तो लोग पर्दा लगाने बंद दे। तो लोग लगाना बंद कर करते और ऐसे केस में तो लोग ए लगाना बंद कर करते पता चले एक पर्दा लगाते ही है ना और आधा आधा टेम्परेचर होगा तो भाई साहब ए सी वे वाला तो धंधा बंद हो जाएगा कैसे करेंगे वो समझ रहे हो तो ये वो प्रॉपर्टीज हैं जिनको ऐड नहीं कर सकते तो कभी भी आपको देखना हो कि कोई प्रॉपर्टी इंटेंसिव है या नहीं प्रॉपर्टी को डब्बा माने दो हिस्सों में डिवाइड करें अगर प्रॉपर्टी दो हिस्से में डिवाइड हो रही है तो कहना इंटेंसिव नहीं तो नहीं अब एक बात तो अगर तुम्हारे पूरे रूम का वॉल्यूम हंड्रेड मिलीलीटर है तो जब मैंने इसके दो हिस्से करे वॉल्यूम पचास पचास हो गया तो यस वॉल्यूम क्या है एडिटिव प्रेशर क्या एडिटिव है नहीं प्रेशर क्या है इंटेंसिव टेम्परेचर क्या है इंटेंसिव नंबर ऑफ मोल्स क्या है एक्सटेंसिव क्यों क्योंकि इनको आप ऐड करेंगे अगर मैं किसी भी की की तो भैया पानी पानी ले लो पानी की एक उसकी वन ग्राम पर अगर होती है 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 तो तो अगर आधी पानी कर दोगे तब भी वन ग्राम पर होगी. तो कभी भी होगी कभी कोई पता करनी है, extensive है या intensive है? एक तरीका है उस प्रॉपर्टी को डब्बा माने उसके दो हिस्से करें अगर प्रॉपर्टी दो हिस्सों में टूट रही है तो कहना एक्सटेंसिव है अगर नहीं टूट रही तो कहना इंटेंसिव है अब एनसीआर वालों ने अपने तरीके से समझा रखा है अगर कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने ना समझाया हो तो आई हैव यू बट इन अ सिंपल वे चमका तो यहां तक एक्सटेंसिव इंटेंसिव की कहानी हमें क्लियर हो गई है ठीक है ओके मास मास क्या है है बच्चे मास, अगर आपका पूरा सिस्टम जिसका मास सौ किलो है ठीक है ना तुम्हारी पूरी बॉडी का मास लेटेस्ट है किलो है तो जब आधी आधी कर दोगे तो पचास पचास किलो हो जाएगा ना तो आधा मतलब दो हिस्से करने से मास टूट आधा आधा हो रहा है तो ये मास क्या है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी चमका अब ध्यान से देखिए आगे बढ़ते हैं कहते हैं एक नया टॉपिक हमारे पास गिवन है इस नए टॉपिक का नाम है हीट कैपेसिटी हीट कैपेसिटी क्या होता है ये मैं पहले अपने तरीके से समझाती हूँ इन्होंने काफी सारी डिटेल्स दे रखी है सी पी के बारे में रिलेशनशिप दे रखी है यहां तक मैं पहले आपको समझाती हूँ अपने तरीके से देखिए बच्चे आपने ये सुना हुआ है ना कि अगर मैंने एक कप पानी को बॉयल करना है मैंने एक कप पानी को गर्म करना है तो मुझे कम हीट देनी पड़ेगी मगर अगर मुझे एक किलो पानी को हीट करना है एक के जी पानी को तो डू यू अग्री मुझे ज्यादा हीट देनी पड़ेगी है ना मुझे ज्यादा हीट देनी पड़ेगी सो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय वन डिग्री मान लो पानी का एक कप पच्चीस डिग्री पे था और अगर मैं इसको अब छब्बीस डिग्री सी पर लेना चाहती हूँ या इतने पानी का जो 25 डिग्री सी पे था अब मैं इसको 26 तक लेकर जाना चाहती हूँ तो इस प्रोसेस को कैरी आउट कराने में मुझे जितनी भी हीट देनी पड़ती है इसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी ठीक है इसको क्या बोलेंगे हीट कैपेसिटी एंड आई थिंक के ये बात सब बच्चों को अच्छे से समझ आ गई कि हीट कैपेसिटी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगी हीट कैपेसिटी थोड़ा सा दोबारा अच्छे से लिख लेते हैं क्या सिखाया है मैंने इतनी बात सबको समझ आ गई कि मैम हीट कैपेसिटी हीट कैपेसिटी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी क्योंकि अगर तुम्हें एक किलो मैगी बनानी है है ना एक किलो पानी को तुम्हें गर्म करना है तो तुम्हें ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी मगर अगर एक कप मैगी बनाना चाहते हो तो डेफिनेटली तुमको कम हीट देनी पड़ेगी सो द हीट कैपेसिटी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इट इज़ द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय वन डिग्री मगर अब मैं एक नया टर्म डिफाइन करती हूं जिसको बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी क्या बोलूंगी मोलर हीट कैपेसिटी ध्यान से समझना मोलर हीट कैपेसिटी का मतलब है मैंने एक मोल सब्सटेंस फिक्स कर दिया सपोज करो मैंने एक मोल पानी ले लिया एक मोल पानी जो कि पहले 25 डिग्री सी पर था और अब मुझे उसको 26 डिग्री सी पर लेकर जाना है इस प्रोसेस को कैरी आउट कराने के लिए मुझे कितनी हीट देनी पड़ेगी इसको बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी हीट कैपेसिटी का सिंबल C मोलर हीट कैपेसिटी का सिंबल CM तो मोलर हीट कैपेसिटी का क्या मतलब है मोलर हीट कैपेसिटी इज द हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स और यहां से आपको एक और चीज सिखाती हूं हीट कैपेसिटी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है नंबर ऑफ मोल्स एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है बट जब भी आप दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को डिवाइड करेंगे ओवरऑल प्रॉपर्टी इंटेंसिव आ जाएगी मोलर हीट कैपेसिटी एक फिक्स वैल्यू है कि एक मोल पानी को गर्म करने के लिए इतनी हीट चाहिए एंड दैट इज फिक्स एक मोल पानी को गर्म करने के लिए कितनी हीट चाहिए दैट इज फिक्स एंड इट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी

अगर मुझे निकालना है ध्यान से समझना बहुत प्यारी चीज़ दे रखी है ठीक है ध्यान से देखना बच्चे एक होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये भी सीख लो एक होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को सी एस से लिखते हैं सी एस का मतलब होता है द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वन ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस बाय वन डिग्री मतलब पहले मैंने वन मोल ऑफ सब्सटेंस ले लिया अब मैंने वन ग्राम ऑफ सब्सटेंस ले लिया तो जितना भी हीट कैपेसिटी था ये एक्सटेंसिव मास क्या है एक्सटेंसिव तो दो एक्सटेंसिव को डिवाइड करोगे क्या आएगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी चमका तो अगर कोई कहे कि मुझे बताओ व्हाट इज द टोटल हीट एक्सचेंज टेकिंग प्लेस तो मैं कहूंगी कि जो भी मास है मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर चमका कोई मुझे मोलर हीट कैपेसिटी देता है तो मैं कहूंगी नंबर ऑफ मोल्स By molar heat into delta t. ये दो इक्वेशंस बहुत प्यारी हैं है। वो कह रहा है कि एक ग्राम सब्सटेंस को गर्म करने के लिए बाय वन डिग्री आपको CS, uh, हीट देनी है। मैंने कहा एक ग्राम नहीं दस ग्राम को तो तुमने कहा मैम दस से मल्टीप्लाई करो मैंने कहा एक डिग्री से नहीं पचास डिग्री से गर्म करना है तो डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करो और अगर मेरे को क्वेश्चन दे रखा है मोलर हीट के मल्टीप्लाई करूंगी चमका या नहीं क्या ये बात क्लियर हुई इज इट क्लियर टू एवरी वन डन जल्दी से बताइए क्लियर है मोलर हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है ये क्लियर है एक मिनट रुकिए अब एक बढ़िया सी डेरिवेशन दे रखी है बढ़िया सी डेरिवेशन कह रहे हैं अभी, अभी अभी आपको सिखाया कि क्यूवी इज इक्वल टू सी वी डी टी विच इज इक्वल टू डेल्टा यू क्यू पी इज इक्वल टू सी पी डी टी विच इज डेल्टा एच डेल्टा एच इज डेल्टा यू प्लस पी वी ये पूरा का पूरा सॉल्व करके एक अच्छी सी डेरिवेशन कर रखी है आपको ये डेरिवेशन रटनी नहीं है इफ यू आर टारगेटिंग फॉर जेई और यू आर टारगेटिंग फॉर नीट और यू आर टारगेटिंग एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम बस एक बात याद रखना बच्चे ये देखो अब इन्होंने मतलब ये गलत बात होती है ठीक है ना थोड़ा सा मैं आपको और डिटेल में सिखाती हूँ ध्यान से सुनना बच्चे मोलर अब देखो ये जो हमारी हीट कैपेसिटी होती है ध्यान से सुनना ये जो हमारी हीट कैपेसिटी होती है ठीक है ये जो हमारी हीट कैपेसिटी होती है ये दो तरीके की होती है एक होती है हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एक होती है हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम अभी मैंने क्या पढ़ाया हीट कैपेसिटी

तो मैं मोलर हीट कैपेसिटी की बात कर CPM. क्या मैं मोलर हीट कैपेसिटी की बात कर सीवीएम तो एक आइडियल गैस के लिए माइनस की वैल्यू क्या ये गलत है एनसीआरटी में, में उन्होंने एक्सप्लेन भी किया सीपी क्या है सीवी क्या है तब जाके उन्होंने सीपी माइनस सीवी आर निकाला मगर जब बच्चा पढ़ता है उसको ये नहीं पता सीपी क्या है उसको यह नहीं पता सीवी क्या है बस उसको यह पता है सीपी माइनस सीवी आर होता है नहीं वेन यू डू द दर डेरिवेशन है ना आपको पता चलेगा मोलर मोलर हीट हीट कैपेसिटी कैपेसिटी एट एट प्रेशर माइनस वॉल्यूम इनका जो डिफरेंस होता है दैट इज आर और अगर मोलर की बात करूं तो मतलब सीपी पी बाई एन माइनस सीवी वी बाई एन इज इक्वल टू आर और अगर मैं सीपी माइनस सीवी की बात करूं दैट इज इक्वल टू एन आर ये चमकना जरूरी है ये गलत नहीं है मगर जब इन्होंने सी पी सीवी डिफाइन किया था इन्होंने मान रखा है कि मैं वन मोल की बात कर रही हूं मगर जब आपके पेपर में सीपीसी वी लिखा होगा दे विल नॉट एज्यूम कि यू आर टॉकिंग अबाउट वन मोल तो इसी को कहते हैं इंट्रिंसिक डिटेल जो कि तुम्हें नहीं दे रखी यहां पर तो तुमने रट लिया सी पी माइनस सी वी आर मैं अभी भी मतलब गारंटी ले सकती हूँ तुम में से आधे से ज्यादा बच्चों को सी पी माइनस सी वी आर ही अच्छा लगता है बस आज मैंने सी पी एम माइनस सी वी एम आर लिख दिया तो बच्चे है ना यहीं पर स्टार्ट हो जाएंगे गलत है गलत है गलत है आइडियल गैस के लिए मोलर हीट कैपेसिटी कैपेसिटी एट एट कांस्टेंट कांस्टेंट प्रेशर माइनस मोलर हीट वॉल्यूम इज आर अगर मैं सिंपल हीट कैपेसिटी की बात करूं तो सीपी माइनस सीवी की वैल्यू होती है एनआर ये आपके जे मेंस में सवाल आ चुका है तो भैया हम एनसीईआरटी तो पढ़ा रहे हैं ठीक है ना मैं एनसीईआरटी पढ़ा रही हूं मैं मना नहीं करती मगर जिस तरीके से आई एम टीचिंग यू एनसीईआरटी दिस इज सुपर 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 इंपॉर्टेंट बिकॉज ये सारी चीजें जो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में हिडन होती हैं जो बच्चा रट लेता है उनको समझने की बजाय अगर उसी रटी हुई चीज को आप पेपर में लेकर जाओगे तो नंबर नहीं मिलते तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट यू नीड टू गो इन टू दिस मच डिटेल ये पता होनी चाहिए यही डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है कि क्या एक बच्चे ने मेन्स या एडवांस की तैयारी करी थी या नहीं करी थी यहीं से डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर अराइज होता है कि क्या आपने स्कूल में बस चीजें रट कर आयो या उनको समझ कर आयो ठीक है तो अभी भी जिसको कंफ्यूजन है एक बार घर पर ये वाला पूरा पार्ट रीड करें रीड करें तभी आपको ये देखो कितने सही है ये देखो कितने कितने सही एनसीईआरटी गलत नहीं है यार एनसीईआरटी को समझना जरूरी है देखो कितना प्यारा तरीके से लिख रखा है फॉर अ मोल ऑफ एन आइडियल गैस उन्होंने वो तो सही है उन्होंने कहा है मोल ऑफ एन आइडियल गैस के लिए सीपी माइनस सीवी आर मगर हमने ये फॉर्मूला रटते हुए मोल याद ही नहीं रखा एक्चुअल फॉर्मूला होता है सीपी माइनस सीवी एनआर तुमने रट लिया सीधी मैंने सीढ़ी ये तो भूल गए वो मैथ्स में होता है ना सर बोलते हैं कंडीशन याद रखनी जरूरी है लिखो वन मोल अब ये लिखा है तो ठीक है नहीं लिखा तो गलत है चमका चलिए अब इसके बाद हमारे पास ऐसे दो टॉपिक्स आते हैं जिनको बच्चे बहुत ही डरते हैं दे आर लाइक वेरी वेरी मच अफ्रेड अबाउट दीज टू टॉपिक्स कि मैम पता नहीं ये दो टॉपिक्स क्या हैं हमसे तो कभी भी ये टॉपिक्स के आंसर्स नहीं निकलते हैं तो मैं आपको बताती हूँ इसको बोलते हैं केलोरीमिट्री केलोरीमिट्री एक मिट्री मतलब मेजरमेंट है केलोरीमिट्री एक तरीका है जहां से मैं ये मेजर कर सकती हूँ कि, कि किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एच या किसी भी रिएक्शन का डेल्टा यू क्या है तो इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल तरीका टू टॉक अबाउट थर्मोडाइनमिक्स थर्मोडाइनमिक्स को एक्सपेरिमेंटली कैसे करते हैं कैसे फील करते हैं देखते हैं वही उसी सबको केलोरीमिट्री कहते हैं तो केलोरीमिट्री हम दो तरीके से करते हैं एक होता है मतलब देखो मैं एक बात बताती हूँ ये बात तो आज रट लो याद कर लो हीट चेंज टेकिंग प्लेस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम डेल्टा यू होता है हीट चेंज टेकिंग प्लेस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर डेल्टा एच होता है यह तो सबको रटा होना चाहिए दिस इज इंपॉर्टेंट एक और चीज जो रटी होनी चाहिए अगर आपके पास एक केमिकल रिएक्शन गिवन है तो मैम ने सिखाया था चुपचाप डेल्टा एच इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी कर देना चमका डेल्टा एच इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी कभी कभी डेल्टा एच की जगह क्यू पी लिख दूंगी कभी कभी डेल्टा यू की जगह क्यू भी लिख दूंगी प्लस यही फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा एनजीआर की डिपेंडिंग अपॉन मुझे ये दे रखा है ये ये दे रखा है बात तो एक ही है ठीक है अब मान लो बच्चे मुझे है ना एक आ, एक तरीके का एक्सपेरिमेंट गिवन है इसको बोलते हैं बच्चे बॉम्ब कैलोरीमीटर इसका क्या नाम होता है इसका नाम होता है बॉम्ब कैलोरीमीटर बॉम्ब कैलोरीमीटर में कोई बॉम्ब नहीं होता ऐसा नहीं है कि हम बम फोड़ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है आपने क्या करना है आपने पूरे प्रोसेस को कैरी आउट कराना है एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम अपने पूरे प्रोसेस को कैरी आउट कराना है एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम वॉल्यूम फिक्स कर रखा है आपने फिर आप मेजर करेंगे कि क्या हीट का एक्सचेंज हो रहा है सो वट एवर इज हीट एक्सचेंज टेकिंग प्लेस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम जो भी आप हीट एक्सचेंज कर रहे हैं कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे क्या उसी को डेल्टा यू कह दूंगी तो हम डेल्टा यू को ही मेजर कर रहे हैं बाय मेजरिंग द हीट विच इज एक्सचेंजिंग एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम तो क्या होता है देखो इसके अंदर जनरली मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ एक डब्बा होता है डब्बे में हम छोटा सा कुछ केमिकल रिएक्शन कैरी आउट कराते हैं ठीक है फिर इस पूरे प्रो, इस पूरे डब्बे से को हमने टेम, पानी में रख रखा होता है पानी को एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर हमने मेंटेन कर रखा होता है तो जैसे ही आपने केमिकल रिएक्शन कराई मान लो एक्सोथर्मिक थी बड़ी सारी एनर्जी निकली तो जितनी भी एनर्जी निकली वो पानी के टेम्परेचर को बढ़ा देगी जितनी भी एनर्जी निकली वो पानी के टेम्परेचर को बढ़ाएगी तो आपको पानी का इनिशियल टेम्परेचर पता था मान लो पच्चीस है फाइनल पता चल गया मान लो पैंतीस हो गया तो जो भी हीट पानी ने एब्सॉर्ब करी और इस पूरे प्रोसेस को कॉन्सेंट वॉल्यूम पे हम कराएंगे तो वट एवर इज द हीट एक्सचेंज मतलब वट एवर इज द हीट एब्जॉर्ब बाय द वॉटर विल लीड टू द चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ वाटर और इसी पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं कैलोरीमेट्री है ना तो यही होता है देखो ये ऑक्सीजन अंडर ये सैंपल यहाँ पे रखा इस बो, इसको बॉम्ब ये जो जगह होती है जहां पर हम सैंपल रखते हैं इसको ऑक्सीजन डालते हैं अंदर अंडर प्रेशर ऑक्सीजन यहां से डालते हैं ये फायरिंग लीड्स होती हैं थर्मामीटर अभी इतना तगड़ा इंस्ट्रूमेंट आपने कहीं नहीं देखा होगा तुम आई भी चले जाओ है ना मैं तो आई रुड़की में पढ़ चुकी हूँ वहां पे भी बॉम के के नाम पे हमें क्या पकड़ाया गया था एक वो नहीं होता अरे ये जो गोले गोले वाले लोग और ये आइसक्रीम वाले लोग एक थर्माकोल का कंटेनर रखते हैं अपने पास उसके अंदर बर्फ डाल के रखते हैं ऐसे एक थर्माकोल के कंटेनर को वहां पे हमें कैलोरीमीटर बना के पकड़ा दिया गया था तो इतना फाइन इतना ब्यूटीफुल सा कैलोरीमीटर तुम्हें लैब्स में नहीं मिलता हम बहुत अच्छी रिसर्च लैब्स में जाओ है ना आई देखो होता है आई में मैं ये नहीं कह रही बॉम्ब कैलोरी नहीं है मगर नॉर्मल एक्सपेरिमेंट करने के लिए हर बच्चे को नहीं दिया जाता तो डिपेंडिंग अपॉन तुम जितने जितने अच्छे रिसर्च लैब में जाओगे तुम्हें उतने अच्छे प्रकार के कैलोरीमीटर्स मिलते हैं बट कैलोरीमीटर का काम इतना ही है कि बॉम्ब कैलोरीमीटर का काम तो केवल इतना ही है कि वो आपको डेल्ट क्यू वी मेजर करके दे देगा हीट एक्सचेंज टेकिंग प्लेस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम विच इज डेल्टा यू ये पूरी चीज़ इन्होंने लिख रखी है वॉल्यूम जीरो है और अगर मान लो आपने देखो पेपर में किस तरीके का सवाल आएगा दे विल नॉट राइट दिस कैलोरीमीटर वो बस बॉम्ब कैलोरीमीटर देंगे बॉम्ब कैलोरीमीटर दिखते ही आपको ये समझ आना चाहिए सिमिलरली अगर मुझे डेल्टा एच की मेजरमेंट करनी है मुझे पता है कि मुझे बस क्यू पी मेजर करना है हीट एक्सचेंज टेकिंग प्लेस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर मेजर करना है विच इज डेल्टा एच सिर्फ इतना इफ यू आर टारगेटिंग जेई मेन्स इफ यू आर टारगेटिंग नीट और यू आर टारगेटिंग एनी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम सिर्फ इतना याद रखोगे क्वेश्चन में जो भी डेटा दे रखा होगा वहां से ये डिसाइफर करेंगे वहां से इतना ये समझ आना चाहिए नो वन विल गिव यू कि किस तरीके का मिक्सचर होता है है ना कौन सा कप रखा है कैसे प्रेशर हो रहा है क्या बस आपको इतना समझना है कि इस पूरे प्रोसेस में प्रेशर सेम रखा है एंड दे आर मेजरिंग द हीट तो ध्यान से देखो एक क्वेश्चन किस तरीके का क्वेश्चन आता है ये भी मैं आपको एक बार कराना चाहूंगी कह रहे वन ग्राम ऑफ ग्रेफाइट इज बर्न इन अ कैलोरीमीटर जैसे ही बॉम्ब कैलोरीमीटर दिखा मुझे लगा QV. QV मतलब डेल्टा कह इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन बच्चे ग्रेफाइट को अगर ऑक्सीजन के एक्सेस में अगर आप बर्न करेंगे तो सीओ आपको नजर आ गया मैम ने सिखाया था केमिकल रिएक्शन दिखते ही बल्ब चमकना चाहिए केमिकल रिएक्शन दिखते ही बल्ब चमकना चाहिए लविन और वन एटमोस्टिक प्रेशर पर रिएक्शन हो रही है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन भी दे रखी है कह रहे ड्यूरिंग द रिएक्शन टेम्परेचर इतने से इतने बढ़ गया भाई साहब मुझे डेल्टा टी पता चल गया मुझे पता है टेम्परेचर कितना बड़ा है कह रहे इफ द हीट कैपेसिटी ऑफ बॉम कैलोरीमीटर इज इतना भाई देखो खाली पानी का टेम्परेचर नहीं बढ़ता ना जो भी आपने बॉम कैलोरीमीटर लिया उसकी दीवारें हैं उसके अंदर का सामान है उन सबका टेम्परेचर बढ़ेगा तो ओवरऑल वो पूरे डब्बे का हीट कैपेसिटी दे रहा है इतना व्हाट इज द एंथेलेपी चेंज फॉर द अब प्रोसेस देखो डेल्टा एच निकालने को दे रहा है और मुझे पता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी होता है क्योंकि मेरे पास केमिकल रिएक्शन है मुझे ये पता है बॉम्ब कैलोरीमीटर से मुझे क्यूवी निकलने को मिल जाएगा और क्यूवी का फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ मोर्स इंटू सी वी डेल्टा टी बस ये तुमको गिवन है ये गिवन है ये गिवन है यू कैन डू द आंसर दैट्स इट तो दो फॉर्मूला और यही का यही सवाल आपके मेंस में आएगा ऐसा नहीं है मेंस में भारी भारी सवाल आते हैं यही सवाल होते हैं बस हमें क्लिक नहीं करता ना कि करना कैसे है क्या करना है क्वेश्चन में तो दोबारा सीख लो जैसे ही केमिकल रिएक्शन दी डेल्टा एच इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा टी चमकना चाहिए अब बॉम्ब कलोरीमीटर दिया तो क्यूवी क्या होता है डेल्टा यू और क्यूवी का फॉर्मूला क्या होता है एनसीवीडीटी है ना तो डी है एन है, है तो वहां से क्यू भी निकाल लो डेल्टा यू निकल गया डेल्टा यू पता है डेल्टा एन जी आर टी पता H निकाल लो नाउ घर पे इस क्वेश्चन को सब बच्चे ट्राई करेंगे एंड आई एम श्योर क्वेश्चन बन जाएगा हंड्रेड परसेंट श्योर वो क्वेश्चन बन जाएगा मगर ट्राई सब बच्चे जरूर करेंगे एवरी वन ट्राई दिस क्वेश्चन मेन्स वाले बच्चे तो बिल्कुल ट्राई करेंगे इसमें है ना दोगलापंथी नहीं करनी है कि मैम ने नहीं सॉल्व कराया तो हम भी नहीं करेंगे ठीक है ना मैम तो आई जा चुकी है अब तुम्हारी बारी है मेहनत तो करनी पड़ेगी यार मैं हिंट दे सकती हूँ सिखा सकती हूँ बट घर बैठ के ऐसे घर आके तुम्हारे हाथ पकड़ के ऐसे लिखना नहीं सिखा सकती इतनी मेहनत तो तुमको करनी पड़ेगी ठीक है सो फाइनली हम अपने चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स को कवर कर चुके हैं अब हमारे कुछ सिंपल सिंपल छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो भी मैं आपको सिखा देती हूँ ठीक है ये अब थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा ठीक है तो लगभग सवा दो हो गई है तो ढाई बजे तक आप देखना हम काफी सारे पेजेस कंप्लीट कर पाएंगे बिकॉज नाउ थोड़ा सा आसान पार्ट है उसके बाद जब मैं पंद्रह बीस मिनट आपको और पढ़ाऊंगी वो अच्छा काम है जहां पर एंट्रॉपी गिफ्ट फ्री एनर्जी ये चीजें हैं तो उससे पहले थोड़ा पंद्रह बीस मिनट का जो हमारा सफर है उसको सिंपल करते हैं कह रहे हैं एंथेलिपी चेंज ऑफ अ रिएक्शन क्या होती है मेरी बात ध्यान से सुनना सपोज करो मेरे पास एक कोई भी रिएक्शन है ए प्लस बी टू फॉर्म फोर सी प्लस थ्री डी इस रिएक्शन के दौरान इस केमिकल रिएक्शन के दौरान जो भी एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है द चेंज इन द द चेंज इन द एनर्जी और द द ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डेल्टा एच आर और इसी को ही बुक्स में डेल्टा आर एच भी लिखा हुआ मिलता है इसको बोलते हैं एनथेलपी ऑफ रिएक्शन द एनथेलेपी चेंज अ कंपनी का रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्शन एनथेलपी ठीक है अब बड़े ध्यान से सुनना आपको क्या करना होता है सबसे पहले तो ये बताओ ये फॉर्मूला नहीं रटना फॉर्मूला नहीं रटना पहले ये देखो कि किसी भी रिएक्शन की एंथेलिपी जो भी रिएक्शन के दौरान एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है उसको बोलते हैं एनथेलपी ऑफ रिएक्शन अब एनथेलपी ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं तो सी के बनने में जो एनथेलपी चेंज है प्लस डी के बनने में जो एनथेलपी चेंज है माइनस ए माइनस बी के बनने में एंथेलेपी चेंज तो लिखा हुआ है एनथेलपी ऑफ रिएक्शन इज सम ऑफ समेलिपीज ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ एंथेलेपीज ऑफ रिएक्टेंट्स तो क्या करना है सारे प्रोडक्ट्स का एंथेलेपी लिख लो सारे रिएक्टेंट्स का एंथेलेपी लिख लो प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट माइनस कर देना अब इतना अच्छा से एनसीईआरटी में गिवन है आज तक जेई में ये चीज़ नहीं पूछी गई पूछी नहीं गई कह रहे मान लो इस रिएक्शन के लिए एंथेलेपी चेंज लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू Enthalpy of CO2 plus two times enthalpy of water minus two times enthalpy of oxygen minus enthalpy of methane. बस ये देखने में जितना सुंदर है इससे कभी कोई सवाल पूछा नहीं जाता देखने में ही सुंदर लगता है अब एक बहुत 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 प्यारी चीज है इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथेलपी भाई अगर आपने अपनी किसी रिएक्शन को स्टैंडर्ड कंडीशन पे कराया स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जो कि मैक्सिमम केस में हम 25 डिग्री सी मानते हैं और अगर प्रेशर को मैंने वन बार कह लिया तो मेरी जितनी भी रिएक्शन की एनथेलपी होगी उसको मैं स्टैंडर्ड एनथेलपी ऑफ रिएक्शन बोलूंगी ऊपर मैं एक नॉट चिपका दूंगी अभी एनसीईआरटी वाले ऐसा नॉट बनाते हैं हम सिंपल लोग ऐसा बना देते हैं तो अगर आपने ऊपर नॉट बना लिया दैट मीन्स यू आर बेसिकली कैरिंग आउट द रिएक्शन इन द स्टैंडर्ड स्टेट मतलब आपके पास गैसेस वन बार में होंगे और आपने टेम्परेचर स्टैंडर्ड कुछ भी फिक्स कर लो स्टैंडर्ड टेम्परेचर मगर जनरली हम 298 केल्विन फिक्स कर लेते हैं ठीक है अब वो कह रहा है कि मान लो कल को तुमको है ना एंथेलिपी चेंज निकालना है ड्यूरिंग फेस ट्रांजिशन ध्यान से समझना कह रहे हैं मान लो आपके पास वन मोल वाटर है सॉलिड फॉर्म में और आप उसको वन मोल लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस पूरी रिएक्शन के दौरान जो भी एंथेलेपी का चेंज होता है उसको मैं बोलूंगी एंथेलेपी ऑफ देखो सॉलिड से लिक्विड जाना मतलब मुझे फ्यूजन करनी है इसको बोलते हैं एनथेलपी ऑफ फ्यूजन और अगर मैं स्टैंडर्ड स्टेट की बात करूं तो ऊपर नॉट लगा दूंगी तो एंथेलेपी ऑफ फेस चेंजेस क्या होते हैं फेस ट्रांस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है The enthalpy change taking चेंज टेकिंग प्लेस mole of मोल ऑफ सॉलिड चेंजेस टू इट्स याद रखना एक मोल सॉलिड को चेंज uh, करने के लिए कितना enthalpy, कितना एक्सचेंज इन एनर्जी रिक्वायर्ड है उसी को बोलते हैं एंथेलिपी ऑफ फ्यूजन चमका एंथेलिपी ऑफ फ्यूजन क्या है बस यहां पर या, देखो किस तरीके से सवाल आते हैं वो भी हम करेंगे बट यहाँ पर ये वन मोल डेफिनेशंस याद रखनी जरूरी है ठीक है सिमिलरली वो कह रहा है कि अगर कल को है ना आपने एक मोल पानी मैं यहां पर लिख कर दे देती हूं जैसे वन मोल आपने लिक्विड वाटर ले लिया वाटर क्या ले लिया लिक्विड और अगर आप इसको वाटर वेपर में कन्वर्ट करेंगे तो इस पूरी रिएक्शन के दौरान जो भी एनथेलिपी का चेंज हो रहा है इसी को क्या बोलेंगे एनथेलिपी ऑफ है ना वेपराइजेशन और अगर नॉट लगा दोगे तो स्टैंडर्ड

आगे देखिए कह रहे अगर मान लो मैंने सीओ टू ले लिया CO2 ओ टू मगर मैंने वन मोल लिया क्या लिया वन मोल अब अगर मुझे इसको सीओ टू गैस में कन्वर्ट करना है तो इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो भी एंथेलिपी चेंज हो रहा होगा स्टैंडर्ड कंडीशन में उसको बोलेंगे एनथेलिपी ऑफ सब्लिमेशन उसको क्या बोल देंगे एनथेलपी ऑफ सब्लिमेशन चमका ये सारी चीजें आई होप क्लियर हो गई हैं कह रहे ये वैल्यूज दे रखी हैं बच्चे आपको बस याद रखना है मोल कॉन्सेप्ट मोल कॉन्सेप्ट याद रखना है दो ही चीजें याद रखनी है मान लो अगर दो टाइम्स वाटर लिक्विड से टू टाइम्स वाटर गैस इस पूरी प्रोसेस की एनथेलपी क्या दे रखी है एच मतलब डेल्टा एच का दे रखा है एक्स तो आपके दिमाग में चमकना चाहिए कि अगर मैंने वाटर लिक्विड से वाटर गैस बनाया मतलब मैंने स्टोशियोमेट्रिक दिए दोनों को वन से डिवाइड कर दिया तो मेरी डेल्टा एच क्या हो जाएगी एक्स बाई टू याद रखेगा क्योंकि डेल्टा एच एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो अगर आप उसको एक नंबर से डिवाइड करेंगे तो डेल्टा एच भी डिवाइड हो जाएगा ठीक है डन ईद मुबारक ये तो मैं बोलना ही भूल गई थी सो तो सॉरी अभी मैंने चार्ट देखा तो याद आया ईद मुबारक भाई सबको ईद मुबारक आज मेरी मम्मी ने भी सेविया बनाई है सही में ठीक है हाँ आज मैं गई हाँ नहीं आज मैं पता मतलब मैं तुम्हारी क्लास से पहले लंच नहीं करती हूँ ठीक है क्योंकि सुबह से ये फाइल वगैरह सब चल रहा होता है तो उसके बाद मेरे को कुछ काम था नक्श के स्कूल जाना था तो मैं वहाँ स्कूल गई मैम से मिलने के लिए फिर जैसे ही आई ठीक है तो क्लास स्टार्ट करी क्लास स्टार्ट करने से पहले ये लैपटॉप बंद हो गया री करने में इतनी देर लगी तब भी आज क्लास थोड़ी सी लेट हो गई थी री ही नहीं मतलब उसमें री दिखा रहा था और कोई ऑप्शन ही नहीं था तो मुझे री करना पड़ा तो उसी में टाइम लग गया फिर ऊपर गई मम्मी बोलती खाना खा के क्लास लेने जा मैंने कहा नहीं मम्मी क्लास लेट हो जाएगी अभी नहीं बाद में आके खा लूंगी अब मेरी साढ़े तीन बजे दूसरी क्लास होती है तो जनरली तुम्हारी ये यूट्यूब वाली क्लास मेरी तीन बीस पर खत्म होती है साढ़े तीन दूसरी क्लास होती है और वो साढ़े तीन स्टार्ट करनी होती है तो दस मिनट का जो पाँच सात मिनट का गैप मिलता है उसमें ये वाली फाइल अपलोड करने में है ना आपके टेलीग्राम पर भेजने में उनकी डाउनलोड करने में ही टाइम निकल जाता है तो जब से ये तुम्हारी बुनियाद सीरीज स्टार्ट हुई है ना मेरा रोज़ लंच टाइम हो गया छः बजे सीरियसली बता रही हूँ इतने दिन हो गया सीधा छः बजे खाना खाती हूँ तो आज बड़ी तेज़ खुशबू आ रही थी मम्मी ने सेवियाँ बनाई ठीक है तो मम्मी कहती देख तेरी फेवरेट बनाई है खा के जा मैंने कहा मम्मी छः बजे ठीक <laughs> है हाँ तो ईद मुबारक से सेवियाँ याद आ गई मुझे तो ये ज़रूर से करेंगे केवल मोल कॉन्सेप्ट आपको यूज़ करना है ये कोई भी वैल्यूज़ आपको रटने की ज़रूरत नहीं है यू डू नॉट हैव टू मग अप एनी ऑफ द वैल्यूज़ डोंट मग अप एनी ऑफ द वैल्यूज़ ठीक है अब भाई जितना मर्जी कर लो जो जेई में सवाल आएगा वो केवल यहीं से आएगा मैम ये क्या है इसको बोलते हैं एन्थेलिपी ऑफ फॉर्मेशन मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना बहुत प्यारी चीज है कहते हैं देखो मान लो मैंने लिया हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म वाटर लिक्विड मगर मैंने कहा कि मैम मुझे वन मोल वाटर बनाना है मुझे कितना मोल बनाना है वाटर वन मोल तो ये मेरी इक्वेशन है अब एक बात बताओ इस पूरी रिएक्शन के दौरान जो भी एंथेलपी चेंज हो रहा है क्या मैं उसको डेल्टा एच रिएक्शन बोल दू इस पूरी रिएक्शन के दौरान जो भी एंथेलपी चेंज हो रहा है क्या मैं उसको डेल्टा एच रिएक्शन बोल दू बच्चे जब भी वन मोल आपका कंपाउंड बनेगा कितना वन मोल कंपाउंड फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट्स इन देयर नेचुरल स्टेट इन देयर फ्री स्टेट जैसे पानी किससे मिलकर बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से नेचर में हाइड्रोजन एच टू गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर में ऑक्सीजन ओ टू गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो जब भी आपका कोई कंपाउंड अपने कंस्टिट्यूएंट से बनता है जो कि आपने नैचुरल फ्री स्टेट में लिया होता है तो इस पूरी रिएक्शन के दौरान जो भी एंथैल्पी चेंज होता है उसको बोलते हैं द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर मुझे पानी को फॉर्म करना है जैसे अगर मुझे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फॉर्म करना है तो मुझे पता है कि मैम कार्बन तो मुझे ग्रेफाइट की फॉर्म में चाहिए और ऑक्सीजन मुझे गैशियस फॉर्म में चाहिए तो इस पूरी रिएक्शन के दौरान जो भी एंथेलिपी का चेंज हो रहा है सो द एंथेलिपी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वन मोल ऑफ अ कंपाउंड फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट्स इन द नेचुरल स्टेट इन द फ्री स्टेट इसको बोलते हैं डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ सी या देखो अब पढ़ाते पढ़ाते हम कई बार डेल्टा एच एफ लिख देते हैं कई बार डेल्टा एच एफ लिख देते हैं सो दे आर वन एंड द सेम थिंग इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना ठीक है ना अब सुंदर लिखना चाहू तो मैं ऐसे नोट लिखूँ या मैं ऐसे लिख दूँ सो दे आर वन एंड द सेम थिंग अब मेरी बात सुनो बच्चे ये जो आपके एलिमेंट्स हैं जो आपने एलिमेंटल स्टेट में लिए हैं कि ग्रेफाइट कार्बन कार्बन ग्रेफाइट की तरह एग्जिस्ट करता है ऑक्सीजन गैस की तरह एग्जिस्ट करता है हाइड्रोजन एच टू की तरह एग्जिस्ट करता है इनका एनथेलिपी ऑफ फॉर्मेशन हम क्या मान के चलते हैं जीरो इनका एंथेलिपी ऑफ फॉर्मेशन हम क्या मान के चलते हैं जीरो चमका अब एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको लिखवाती हूँ जैसे ये है जैसे ये है कह मान लो मैंने लिया हाइड्रोजन ये गैस होती है और मुझे पता है ब्रोमीन क्या होता है लिक्विड होता है और इससे बन रहा है, है एच बी आर और एच बी आर मेरा क्या बन रहा है गैस अब मुझे एक बात बताओ अगर मुझे इस रिएक्शन का डेल्टा एच लिखना है सो तो इट शुड बी डेल्टा एच फॉर्मेशन एच बी आर माइनस डेल्टा एच फॉर्मेशन बी आर टू और इसको हाफ से डिवाइड करेंगे माइनस हाफ डेल्टा एच फॉर्मेशन एच टू ये जितने भी हमारे कंपाउंड्स एलिमेंटल स्टेट में नेचुरल स्टेट में एक्जिस्ट करते हैं इनका फॉर्मेशन जीरो मानते हैं तो क्या आपको समझ आ गया इस रिएक्शन का जो भी डेल्टा एच रिएक्शन है एच फॉर्मेशन ऑफ एच बी आर गैस चमका मगर डेल्टा एच फॉर्मेशन के लिए याद रखना है केवल चमका सबको दिस इज क्लियर अब एक बहुत ही प्यारा सा मतलब दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल क्वेश्चन जहां से जेई के सवाल बनते हैं कभी भी आपको डेल्टा एच फॉर्मेशन लिखना हो किसी डेल्टा एच रिएशन लिखना हो यू कैन ऑलवेज राइट इन दर्मस ऑफ फॉर्मेशन एंड थे फॉर्मेशन एन थे थे एग्जाम्पल जैसे कल को कोई कहे कल को कोई कहे कि सी ए सी ओ थ्री सॉलिड टू फॉर्म सी ए सॉलिड प्लस सीओ टू गैस है ना और कोई मुझे कहे कि भाई इसका डेल्टा एच रिएक्शन लिखकर दिखाओ तो मैं पता क्या लिखूंगी मैं लिखूंगी डेल्टा एच फॉर्मेशन सी ए प्लस डेल्टा एच फॉर्मेशन सी ओ टू माइनस डेल्टा एच फॉर्मेशन सी ए सी ओ थ्री सो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इनका फॉर्मेशन माइनस जो भी रिएक्टेंट्स हैं इनका फॉर्मेशन आपके जेई में जनरली ये डेटा गिवन होते हैं बस वैल्यू सब्सटीट्यूट करके आंसर निकालना होता है हद हद कई बार डेटा भी नहीं देता ऐसे ही पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनथेरेपी ऑफ रिएक्शन तो जो भी चीज़ें यहां पर लिख रखी है मैंने उनको शॉर्ट में वहां समझा दिया क्या ये बात सब बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गई है यहाँ तक की कहानी सबको अच्छे से समझ आ गई है तो अब हम एक नए टॉपिक पे बढ़ते हैं जिसका नाम है हैसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सबमिशन यहाँ से आपके जेई मेंस और नीट के सवाल बनते हैं देखो देखो तो जो डेफिनेशंस मैंने सिखाई थी वो सीखनी जरूरी थी मगर क्वेश्चन हमारे जनरली यहाँ से बनते हैं कहता है कई बार जैसे मतलब पता क्या जैसे ये पता क्या है ये दिवाली की खर्ची है या जैसे आज ईद पे तुम्हें तो खर्ची मिलेगी है ना जिन बच्चों को मिलेगी तो हमारे यहाँ पे दिवाली पे हम क्या करते हैं है ना जैसे हमारे यहाँ पे हम मैं गुजराती हूँ अभी ठीक है मतलब हमारे पंजाब में दिवाली में हम पता क्या करते थे कि मेरी बुआ आएगी घर में तो वो मुझे थोड़े से पैसे देंगी है ना मेरी चाची आएगी आंटी आएगी ताई जी आएंगी मासी आएगी मामी आएगी तो जो भी रिश्तेदार हमारे घर पर आते हैं बच्चों को कुछ खर्ची देते हैं ठीक है अब लास्ट में हम लोग गिनते थे या जब तुमने देखा होगा कंचके होती है ना जब मैं छोटी थी कंचकों पे हम जाते थे घरों में लोगों के बैठने है ना वहां पे खाना मिलता था तो हम लास्ट में ना काउंट करते थे कि मेरे पास कितने पैसे हुए ठीक है तो मेरे पास जो भी टोटल पैसे होते हैं या जब आप ईद पे मिलोगे अपने रिश्तेदारों से तो हर बार बच्चों को खर्ची मिलती है तो बाद में बच्चे लोग क्या करते हैं काउंटिंग करते हैं कि देख मेरे पास इतने हो गए मेरे पास इतने हो गए तो वो कहता है कि भाई तुम्हारे पास टोटल कितना इकट्ठा हुआ ना मतलब चाहे तुम्हें किसी एक ऐसा रिश्तेदार आया जिसने हजार रुपए पंद्रह रिश्तेदारों ने दस 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 दिए किसी ने सौ दिए किसी दो सौ दिए वो कह रहे हैं मुझे इस बात से मतलब नहीं है कि तुम्हारे कितने रिश्तेदारों ने कितने पैसे दिए मुझे सिर्फ टोटल से मतलब है मुझे क्या है सिर्फ टोटल से मतलब तो ऑफ हीट समेशन यही कहता है कि भले आप अपनी रिएक्शन को एक स्टेप में कराओ दो स्टेप में कराओ हजार स्टेप में कराओ जितनी मर्जी स्टेप में आप रिएक्शन को कराओ जो भी एनथेलपी चेंज होता है पूरे प्रोसेस का इट इज इक्वल टू द सम ऑफ एंथेलेपी चेंज टेकिंग प्लेस इन ऑल द स्टेप्स तुम दो में कराओ तीन में कराओ चार में कराओ तुम्हें दस लोग खर्ची दे तुम्हें बीस लोग खर्ची दे तुम्हें तुम्हारे सिर्फ पापा ही हजार रुपए खर्ची दे दे वो तुम्हारे घर पे डिपेंड करता है उससे हमें मतलब नहीं है मुझे तो बस टोटल निकालना सिखा दो कि टोटल कितना आया कह कि रहे है इफ अ रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सेवरल स्टेप्स देन इट्स स्टैंडर्ड रिएक्शन एनथेलपी ज द सम ऑफ स्टैंडर्ड एनथेलपीज ऑफ द इंटरमीडिएट रिएक्शन इंटू विच ओवरऑल रिएक्शन में भले आप एक रिएक्शन को एक स्टेप में कराओ या तुम एक रिएक्शन को दो स्टेप में कराओ मगर ओवरऑल जो आपकी एनथेलपी चेंज है कह रहे, हैं, रहे हैं, मान लो ए से बी में जाना है तो अगर ए से बी में डायरेक्टली गए तो हमारे पास क्या आया डेल्टा एच रिएशन कोई गए नहीं ए से बी डायरेक्टली नहीं जाऊंगा पहले तो मैं ए से सी जाऊंगा तो दैट विल बी डेल्टा एच वन फिर कह रहे हैं बी से सी सी से डी जाऊंगा दैट इज इजटैच टू वो कह रहे हैं डी से बी जाऊंगा दैट इज इजैच टू तो कह रहे आप रिएक्शन को एक स्टेप में कराओ एक से ज्यादा दो स्टेप में तीन स्टेप में चार स्टेप में जितने भी स्टेप में आपने रिएक्शन कराई दे एनथेलपी चेंज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ समेलेपी चेंजेस इन ऑल द रिएक्शन विच आर टेकिंग प्लेस एट कॉन्स्टरेचर चमका तो ये सारी चीजें थी अब एक और छोटा सा अच्छा सा टर्म दे रखा है ठीक है स्टैंडर्ड एंड थेलपी ऑफ कंबशन इनकी जितनी बच्चे इन चीजों की जितनी डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट हैं उतना ही इंपॉर्टेंट है है ना जितनी डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है इनके क्वेश्चन तो बच्चे स्टैंडर्ड ऑफ क्या होता है ध्यान से सुनना कंबेशन क्या होता है मैंने एक मोल सब्सटेंस लिया मैंने एक मोल सब्सटेंस लिया और उसको मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पूरा जला रही हूं, पूरा मतलब एक्सेस ऑक्सीजन लिया सो so, जब आप एक मोल सब्सटेंस को एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन से जलाते हैं तो जितना जो भी सीओ टू और वाटर निकलना चाहिए स्टैंडर्ड स्टेट्स में इस पूरी रिएक्शन को करने के दौरान जो भी एंथेलिपी ऑफ कम्बेशन बट ऑफ एंथेल के लिए क्या याद रखना है एक मोल सब्सटेंस आपने जलाना है सो so, वन मोल सब्सटेंस को जलाएंगे ताकि सीओ गैस और वॉटर लिक्विड बने जो भी एंथेलिपी चेंज होगा दिस इज नोन एज एंथेलिपी ऑफ कंबेशन अब यही एंथेलिपी ऑफ कंबेशन के बेसिस पे Uh, एक क्वेश्चन दे रखा है जो आपको करना है इसके बाद है एंथेलपी ऑफ एटोमाइजेशन एनथेलपी ऑफ एटोमाइजेशन का मतलब क्या होता है ध्यान से देखो जैसे हाइड्रोजन गैस है इसको इस तरीके से तोड़ो कि मेरे पास सारे के सारे गैशियस एटम्स आ जाए तो एक मॉलिक्यूल को तोड़ के आपके पास जितने भी गैशियस एटम्स आते हैं उस प्रोसेस को कैरी आउट कराने के लिए ध्यान से देखिए uh, कहां गया कहा गया कहा गया कह रहे इट इज द एंथेलपी चेंज ऑन ब्रेकिंग मोल ऑफ द बॉन्ड्स कंप्लीटली टू ऑपटे एटम्स इन द गैर स्टेट मगर एक मोल बॉन्ड को तोड़ना है जैसे हाइड्रोजन एच टू एच टू में एक बॉन्ड है तो एक मोल हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको कितनी एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं एंथेलिपी ऑफ एटोमाइजेशन कह रहे हैं जैसे ध्यान से देखो कह रहे हैं इन केस ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल लाइक एच टू द एंथेलिपी ऑफ एटोमाइजेशन इज ऑल्सो इक्वल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एसोसिएशन द अदर एग्जाम्पल आप ध्यान से देखो मुझे क्या करना है कह रहे मीथेन है मीथेन के चारों हाइड्रोजन को जब आपने तोड़ा तो आपके पास वन सिक्स फाइव किलोजूल पर मोल एनर्जी आई कह रहे नोट दैट द प्रोडक्ट्स आर ओनली एटम्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन वी नाउ सी द फॉलोइंग रिएक्शन आपके पास जिसको भी आप तोड़ेंगे जो भी आप तोड़ेंगे मगर आपके प्रोडक्ट्स एटम एटोमिक स्टेट आट। में आने चाहिए जैसे सोडियम गैस को आपने तोड़ा टू फॉर्म सोडियम गैशियस तो एक मोल बॉन्ड को तोड़ने पे ताकि आपके सारे के सारे एटम्स बन जाएं उस तरीके की जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन चमका एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होती है आई होप ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी आगे है बच्चे बॉन्ड एंड देखो बॉन्ड एंड क्या होती है बॉन्ड एंड डाइटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए आपको एक बॉन्ड को तोड़ना है वन मोल बॉन्ड को तोड़ेंगे तो जितनी भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू ब्रेक वन मोल ऑफ अ बॉन्ड इट इज नोन एज बॉन्ड एन थेलेपी या फिर इसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के नाम से भी जाना जाता है सो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एन थेलेपी दैट मीन्स वन एंड द सेम थिंग जैसे एक सीएल को जब आपने दो सीएल में कन्वर्ट किया तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन कितनी है टू फोर्टी टू किलोजूल पर मोल एक मोल बॉन्ड को तोड़ना है O2 के एक डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी दी फोर ट्वेंटी बोलते हैं बॉन्ड एंथेलिपी या डिसोसिएशन एनर्जी अगर मैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करूं पॉलीएटॉमिक मतलब मोर देन वन है ना मोर देन टू एटम्स वाले तो जैसे मीथेन है तो बच्चे मीथेन के चार अलग अलग बॉन्ड है सीएच के समझ हो तो जब मैंने जब देखो जब टोटल तोड़ा तो हमने देखा था कि वन सिक्स सिक्स फाइव किलोजूल परमोल एनर्जी दी थी जब टोटल तोड़ दिया चारों के चारों तोड़ दिए वन सिक्स फाइव पर मोल एनर्जी दी मगर अगर मैं एक एक करके तोड़ू जैसे मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकालो तो फोर ट्वेंटी सेवन दूसरा हाइड्रोजन निकालोगे फोर थर्टी नाइन तीसरा निकालोगे फोर फिफ्टी टू चौथा निकालोगे थ्री फोर्टी तो सेवन जब आप इनको एड करके डिवाइड बाई फोर करोगे अब आपके पास आ जाएगा मीन बॉन्ड एंड हमारे पास क्या आ जाएगा मीन बॉन्ड एंड थेलेपी तो जब आप चार मतलब अगर आपके पास पोलियाटॉमिक है तो हर एक को एक एक, एक एक करके तोड़ो उसको डिवाइड बाय फोर कर दो मीन बॉन्ड एंड ये अपने आप में बहुत अच्छा है समझना बहुत अच्छा है मगर जेई मेन में से यहाँ से सवाल आते हैं जेई मेन के सवाल आएंगे यहाँ से सुपर 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 इंपॉर्टेंट आपको ना वो बॉन्ड एंड थेलेपीज दे देगा सारी कि सी एच को तोड़ने में सी सी को तोड़ने में सी ओ को तोड़ने में ये सब की बॉन्ड एन दे देगा कहेगा इस रिएक्शन की डेल्टा एच निकालो मतलब यू हैव टू कैलकुलेट द चेंज इन एन आपको क्या करना है यहां पर करेंगे रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट मतलब अभी तक आपने क्या किया था अभी तक हमने किया था प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट फॉर्मेशन में हमने किया था प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट यहां पर हम करेंगे रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कैसे करेंगे ध्यान से देखें तो मैं करूंगी कि भाई जितना भी आपका डेल्टा एच रिएक्शन है दैट इज इक्वल टू डेल्टा जो भी टोटल बॉन्ड एन है दे नहीं रखा तो मान लो मेरे पास ये है ठीक है ना मान लो मेरे पास ये है सी एच टू फॉर्म सी ओ ये है सपोज करो ये है तो कोई मेरे को कहे कि मुझे डेल्टा एच रिएक्शन निकाल के दिखाओ तो मैं क्या करूंगी फोर टाइम्स सी एच बॉन्ड प्लस वन टाइम ओ डबल बॉन्ड ओ की एनर्जी इसको ऐड कर दो माइनस टू टाइम्स सी डबल बॉन्ड ओ की एनर्जी प्लस टू टाइम्स ओ एच की एनर्जी ये चारों वैल्यूज आपको गिवन होंगी ऑल द फोर वैल्यूज विल बी गिवन टू यू

ये एक अच्छे तरीके से दे रखा है बट मैं मतलब थोड़ा शॉर्ट में इसको समझाने की कोशिश करूँगी आई विल ट्राई टू टीच दिस क्वेश्चन इन शॉर्ट बड़े ध्यान से देखिए बच्चे आपने पढ़ा था कि अगर मुझे एन ए सॉलिड ठीक है सपोज करो मेरे पास एन ए सॉलिड है और मैंने हाफ क्लोरीन गैशियस ले लिया टू फॉर्म एन ए सी एल सॉलिड ठीक है एक सॉलिड बन गया मान लो मुझे ये वाला जो पूरे रिएक्शन है ये तो मैं कर सकती हूँ ना सोडियम ले लिया सॉलिड फॉर्म में क्लोरीन ले लिया गैशियस फॉर्म में और मुझे एन सॉलिड है ये मुझे बनाना है दिस इज द रिएक्शन दैट आई वॉन्ट टू डू और इस रिएक्शन का प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट के थ्रू डेल्टा एच आर मेजर कर लेंगे यू विल मेजर द डेल्टा एच आर एक्सपेरिमेंटली अब आप सोच रहे होे कि ये जो प्रोसेस है इसकी जब मैंने डेल्टा एच मेजर कर ली तो बच्चे अब मैं इसको थियरटिकली पता कैसे कराऊंगी मैं कहूंगी पहले सोडियम सॉलिड को तोड़ो टू फॉर्म सोडियम गैस यानी कि यहां पर हम डेल्टा एच एटोमाइजेशन देंगे एटोमाइजेशन मतलब वन मोल गैस एटम बनाने के लिए फिर मैंने कहा जो एनए गैस है उसको आयोनाइज करेंगे टू फॉर्म एन प्लस गैस और ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था इसको बोलते हैं डेल्टा एच आयोनाइजेशन एनर्जी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड

फिर मैंने कहा जो क्लोरीन गैस था अगर वो एक और इलेक्ट्रॉन गेन करके सी एल माइनस गैस बनाएगा तो इसको बोलेंगे डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एन थेलेपी ये भी हम सेकेंड चैप्टर में पढ़कर आए हैं मैंने कहा बच्चे अब आप एक एन ए प्लस गैस को और सी एल माइनस गैस को जब ऐड करते हैं टू फॉर्म वन मोल ऑफ एन आइनिक सॉलिड आपको मैंने पिछली क्लास में सिखाया था वेन वन मोल ऑफ अ एस एन गैशियस एन आइन कम क्लोज टू टूच अदर टू फॉर्म थ्री डायमेंशनल इसी को डेल्टा एच लैटिस एनर्जी बोलते हैं अगर किसी को ये 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 या ये, ये नहीं पता तो मतलब आपने पिछले वाले लेक्चर्स ढंग से नहीं देखे क्योंकि वहां पर मैंने सिखाया था लैटिस एनथेलेपी क्या होता है ये सारी चीज़ें सीखी थी मैंने कहा मैम मैं एक काम करो एक काम करो अब आप इन सारी रिएक्शंस को ऐड करो तो जब आप ऐड करोगे आपके पास आ जाएगा एन ए सॉलिड प्लस यहाँ एन ए गैस से एन ए गैस गया इस इलेक्ट्रॉन से ये गया एन ए प्लस गैस से एन ए प्लस गैस गया यहाँ पर आ गया हाफ सी एल टू गैस दिख रहा है सब बच्चों को हाफ सी एल टू गैस ये सीएल गैशियस से सी एल गैशियस गया सी एल माइनस से सी एल माइनस गया एन ए सी एल और इसका जो डेल्टा एच ये मैंने एक्सपेरिमेंट से निकाला तो क्या मैं एक रिएक्शन जिसको एक स्टेप में करा रही हूं या फिर मैंने उसी रिएक्शन को इतने सारे स्टेप्स में कराया कैन आई से द डेल्टा दाच ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा एच एटोमाइजेशन प्लस डेल्टा एच आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस डेल्टा एच बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिवाइडेड थे टू

इसको एक्सपेरिमेंटली कैरी आउट कराऊ बाकी सबको ऐसे लिखूं आउट कराऊ एक जो मेरा theoretical है जिसकी वैल्यू नहीं पता वो मैं निकाल लूंगी और ये मैंने क्या यूज किया आई सिंपली यूज लॉ लॉ इसी को क्या बोलते हैं और ये आपके जेई सिंपलीस का पीवाई क्यू जे पी अब जेई वाले आपसे ये नहीं पूछते कि यार तुम वैल्यूज दे रखिये वैल्यू सब्सटीट्यूट करके दिखाओ उनको इतने से मतलब नहीं है वो सिर्फ यही पूछ लेते हैं कि डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करो तो बस वो बच्चा बॉन्ड डिसोसिएशन एंड को टू से डिवाइड करना भूल जाता क्वेश्चन गलत, अगर इतनी बारीक बारीक चीजें आपने याद रख रखी हैं तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा सब सही हो जाएगा अब इन्होंने ये जितना भी रिप्रेजेंट किया या जो भी मैंने ये साइकिल लिखी इसी साइकिल को बॉन्ड हेबर साइकिल बोलते हैं आ, ये सारा इन्होंने ऐसे डिटेल में लिख रखा है इस तरीके से समझाया बट मैंने आपको थोड़ा सिंपल शॉर्ट में समझा दिया ठीक है आई जस्ट एक्सप्लेन यू एवरीथिंग इन शॉर्ट दैट्स इट बाकी सब कुछ सेम है एवरीथिंग इज सेम ठीक है अब हमारे पास एक लास्ट डेफिनेशन बचती है वी हैव अ लास्ट डेफिनेशन एंड कुछ दस पंद्रह मिनट के और छोटे छोटे से टॉपिक्स है वो करा देती हूँ सबसे पहले बच्चे एन्थेलपी ऑफ सोल्यूशन एनथेलपी ऑफ सोल्यूशन क्या होता है मान लो आपने एक आयनिक कंपाउंड को पानी में डाला सो so दैट अपने वो कंस्टिटुएंट आयन्स में कन्वर्ट हो जाए इन द एक्वा स्टेट इसी को आप बोलते हैं एंथेलपी ऑफ सोल्यूशन सो द अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज टेकिंग प्लेस वेन वन मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज डिजॉल्व कंप्लीटली इन वॉटर टू फॉर्म इट्स एक्टेड आयन्स तो इस प्रोसेस के दौरान जो भी एंथेलेपी चेंज हो रहा है दैट इज एंथेलपी ऑफ सोल्यूशन अब एक बात बताओ क्या मैं इसी प्रोसेस को दो हिस्सों में कैरी आउट करा सकती हूँ पहले ए बी सॉलिड को ए प्लस गैस और बी माइनस गैस लिख दूँ तो लैटिस एनथेलपी आ जाएगी और ए प्लस गैस और बी माइनस गैस को हाइड्रेट करो इनको पानी आकर सराउंड करे तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी आ जाएगी तो समझ आ गया इसको हम एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हैं ये हमने थियोरेटिकली पिछले केस से निकाली थी तो मैं किसी भी आयन का हाइड्रेशन वैल्यू निकाल सकती हूँ हाइड्रेशन मतलब जब एक गैशियस केटइन या गैशियस एनाइन को बहुत सारे पानी आकर सराउंड करते हैं

कि आपने क्या किया एक एच को 25 वाटर में डाला एक एच को 50 मोल पानी में डाला एक एच को इंफानाइट मॉल पानी में डाला तो कह रहा द वैल्यूज ऑफ डेल्टा एच शो जनरल डिपेंडेंस ऑफ द एनथेलपी ऑफ सोल्यूशन ऑन द अमाउंट ऑफ सोल्वेंट एज मोर एंड मोर सॉल्वेंट इज यूज एन थे अप्रोच इज ए लिमिटिंग वैल्यू भाई पहले शुरू में आपने एनथेलिपी ऑफ uh, जो आपने सॉल्वेंट लिया कम लिया कुछ वैल्यू आई जैसे आप सॉल्वेंट बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए एक पर्टिकुलर वैल्यू फिक्स वैल्यू आने लग गई ठीक है धीरे धीरे आप देखिए वैल्यू जो है एक फिक्स वैल्यू के टू जा रही है ठीक है ना तो वो कह रहा है दिस वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इज इज ऑफ इट द हीट विदड्रॉन फ्रॉम द सराउंडिंग वेन एडिशनल सॉल्वेंट इज एडेड टू द सोल्यूशन कह रहा है आप एक वैल्यू पर थे ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास एच सी एल पच्चीस है एच सी एल डॉट पंद्रह आपने और पानी डाला टू फॉर्म एच सी एल डॉट फोर्टी ये वैल्यू है ये वैल्यू है तो इतने डालने से इतना डाइल्यूट करने से क्या एनथेलिपी में चेंज आया इसी को बोलते हैं एनथेलिपी ऑफ डाइल्यूशन कुछ नहीं है बच्चे इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ हैसेस लॉ वो कह रहे हैं द एनथेलिपी ऑफ डाइल्यूशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिपेंडेंट अपॉन द ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन एंड द अमाउंट ऑफ सोलवेंट डायल्यूट की भाई एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे आप थे अपने और ज्यादा सॉल्वेंट डालने से क्या एनथेलिपी में चेंज आया दैट इज नोन एज एनथेलपी ऑफ डाइल्यूशन ठीक है तो यहां से नो वन इज गोइंग टू आज बच्चे इधर आओ चलो ऑफ की डेफिनेशन लिख के दो नो आपको किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं वो मैंने आपको सिखाए जहां पर आपको या तो कम्बशन का सवाल आएगा या एनथेलपी ऑफ फॉर्मेशन या वो जो बॉन्ड एनथेलपीज का सवाल है इन्हीं तीनों में से आपके सवाल जो है मैक्सिमम टाइम्स में पूछे जाते हैं चमका ओके डन अब हमारे पास एक लास्ट टॉपिक बचा है और इसका नाम है स्पॉन्टेनिटी स्पॉन्टेनिटी क्या होता है बड़े ध्यान से देखना बच्चे फॉर एग्जाम्पल जैसे आ, एक एग्जाम्पल ले लो ठीक है एक पहाड़ी है पहाड़ी पे एक बॉल रखी आपने ये बॉल अपने आप से नीचे आ जाएगी है हाँ ना ये बॉल अपने आप से नीचे गिर जाएगी जो प्रोसेस अपने आप से हो जाता है उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस मगर अगर इसी पहाड़ी पे बॉल नीचे है तो वो नीचे से बॉल अपने आप कभी ऊपर नहीं जाएगी मुझे बाहर से काम करना पड़ेगा ताकि इस बॉल को मैं नीचे से ऊपर लेकर जाऊँ इस प्रोसेस को बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस ठीक है स्पॉन्टेनिटी का एक्चुअल मतलब होता है स्पॉन्टेनिटी समहाउ रिलेटेड टू रैंडमनेस तो पहले लोगों को यही लगता था कि जो प्रोसेस खुद से हो रहा है स्पॉन्टेनियस जो नहीं हो रहा दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस बट देन धीरे धीरे इस स्पॉन्टेनिटी को रैंडमनेस से एसोसिएट किया गया फॉर एग्जाम्पल एक क्लास जब आप इमेजिन करो आप स्कूल में बैठे हो एक आपकी क्लास है ठीक है वहाँ पे इतनी स्ट्रिक्ट टीचर है इतनी स्ट्रिक्ट टीचर है कि तुम जहाँ बैठे हो वहीं के वहीं बैठे रहोगे कुछ बोलोगे नहीं कुछ हिल डुलोगे नहीं कुछ नहीं, नहीं करोगे मतलब आपकी क्लास की रैंडमनेस कम है जैसे ही बेल बजती है जैसे ही वो टीचर क्लास से बाहर गई भाई साहब कोई एक दूसरे के ऊपर नोटबुक फेंक रहा है है ना कोई पन्नों के बॉल बना के एक दूसरे के ऊपर फेंक रहा है कोई चौक डस्टर फेंक रहा है आपकी क्लास क्या हो जाती है रैंडम और इसी रैंडमनेस को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस चमका तो वो कह रहे हैं अस्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज एन इन रिवर्सिबल प्रोसेस एंड मे ओनली बी रिवर्स बाय सम एक्सटर्नल एजेंसी जब मैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की बात करती हूँ तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस उसको बोलते हैं जो अपने आप से हो रहा है दैट इज अर रिवर्सिबल प्रोसेस कि अगर एक बार ये बॉल ऊपर थी ये नीचे आ गई दैट इज स्पॉन्टेनियस अब इसको नीचे से ऊपर लेकर जाना मेरे को लेकर जाना पड़ेगा अपने आप नहीं जाएगी सो so, इस तरीके के प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बोलते हैं पहले यही सीखा गया था फिर लोगों ने कहा कि क्या एंथेलिपी में कम होना इज अ क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी तो लोगों ने यह सोचा कि मैम अच्छा अगर किसी रिएक्शन से एनर्जी निकल रही है तो कोई भी अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होगी और सारी एंडोथर्मिक रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होंगी तो बाद में ये ये भी हटाया गया कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है आप कहोगे वो हमेशा स्पॉन्टेनियस होगी ऐसा जरूरी नहीं है अगर एक रिएक्शन एंडोथर्मिक है आप कहोगे कि मैम मैं वो हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस होगी ऐसा भी बिल्कुल नहीं है तो मैं मानती हूँ एंड एक कंसिडरेबल रोल प्ले करता है बट इट इज नॉट द ओनली फैक्टर टू डिसाइड अबाउट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन जो चीज़ मैंने बोली उन्होंने एक एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रखा है आपको फाइनली ये समझना है कि ज़रूरी नहीं है हर एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है और हर एंडोथर्मिक रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कह रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा केमिस्ट्री में कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं तो स्पॉन्टेनियस को हम डिफाइन करते हैं इन द टर्म्स ऑफ एंट्रोपी स्पॉन्टेनियस वही है कि अगर कोई चीज खुद से हो रही है तो स्पॉन्टेनियस खुद से नहीं हो रही तो नॉन स्पॉन्टेनियस बट पहले लोगों ने स्पॉन्टेनिटी को एनर्जी की टर्म्स में कोरिलेट किया बाद में पता चला नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक्सो मतलब स्पॉन्टेनियस एंडो मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस फिर लोगों ने एक नया टर्म निकाला कहते हैं एंट्रोपी अब एंट्रोपी वही है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया विच इज रैंडमनेस एंट्रोपी क्या है रैंडमनेस मतलब कि भाई रैंडमनेस का मतलब जैसे ये है या आपने दो ऐसे अलग अलग रख रखे थे डब्बे में दो गैसेज हैं कंटेनर को आपने बीच में से ढक रखा है तो ये दोनों रैंडम नहीं है ये सारे व्हाइट हैं सारे ब्लैक हैं जैसे ही मैंने ढक्कन खींचा तो सारे ब्लैक और वाइट आपस में मिक्स हो गए सब कुछ रैंडम हो गया मतलब इस प्रोसेस को मैं क्या बोलती हूँ इस प्रोसेस में जो रैंडमनेस है वो बढ़ गई है यानी कि इस प्रोसेस की जो एंट्रॉपी है बढ़ गई तो लोगों ने सोचा मतलब अच्छा अगर किसी भी प्रोसेस में रैंडमनेस बढ़ रही है मतलब वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगा फिर बाद में पता चला ऐसे भी होता है कि एक प्रोसेस रैंडमनेस तो बढ़ा रहा है एंट्रोपी बढ़ रही है मगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं है तो दो अलग अलग दिशा में लोग सोच रहे थे कह रहे थे अच्छा रैंडमनेस ज्यादा है तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या एनर्जी रिलीज हो रही है तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा मगर इंडिविजुअली कुछ नहीं हो रहा था फाइनली एक कंक्लूजन निकाला गया फाइनली एक कंक्लूजन निकाला गया वो ये था कहते हैं कि अगर आपके मतलब अगर आपने रैंडमनेस की बात करनी है या अगर आप एंट्रोपी में चेंज के बारे में बात करना चाहते हैं तो जो टोटल चेंज इन एंट्रोपी होता है उसके लिए आपको सिस्टम और सराउंडिंग दोनों की एंट्रोपी लिखनी पड़ेगी तो जब भी आपने एक प्रोसेस कैरी आउट कराया वट एवर इज द ओवरऑल चेंज इन द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस द ओवरऑल चेंज इन द एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग

तो मेरी टोटल एंट्रोपी चेंज यानी कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग दोनों की जो एंट्रोपी चेंज का सम है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए अब फिर लोगों ने कहा यार मैम अगर मुझे सिस्टम की निकालनी है मतलब एंट्रोपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है तो एंट्रोपी निकालने का फॉर्मूला होता है कि क्यूँ रिवर्सिबल बाई टी मतलब जनरली हम एंट्रोपी रिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू कैलकुलेट करते हैं तो कह रहे हैं मान लो आपने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सिस्टम में कुछ हीट डाली तो जो भी हीट डाली विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर दैट विल बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन एंट्रॉपी मान लो मतलब मैंने क्या किया मेरे पास ये पेंसिल थी मैंने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इस सिस्टम में हीट डाली तो ये जो सिस्टम है जल्दी 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 घूमने लग जाएगा वाइब्रेट करने लग जाएगा मतलब इसकी रैंडमनेस बढ़ जाएगी इसकी एंट्रोपी बढ़ जाएगी तो एंट्रोपी को कैलकुलेट कैसे करते हैं तो देखो यही लिखा हुआ है है कह कह रहा हीट हैज इन्फ्लुएंस वो द द इज मेजर ऑफ ऑफ एवरेज मोशन पार्टिकल्स इन द सिस्टम कि एक टेम्परेचर डालने की वजह से पार्टिकल्स में क्या क्यूज हो गया क्या डिस्टर्बेंस हो गई दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू एंट्रोपी तो उसने यही बोला कहता है अगर आपने सिस्टम की एंट्रोपी निकालनी है तो आप

ठीक है अगर टोटल चेंज इन एन पॉजिटिव है तो आप कहते हैं है, मैम ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है एंड अगर कल को द तो टोटल चेंज इन एंड नेगेटिव आता तो हम कहते हैं प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है ये दिखने में जितना अच्छा लग रहा था प्रॉब्लम हो गई क्यों क्योंकि मेरे लिए ये डेल्टा एस सराउंडिंग कैलकुलेट करना बिल्कुल भी आसान काम नहीं था इट वॉज नॉट एट ऑल ईजी फॉर अस टू कैलकुलेट द एन चेंज ऑफ सराउंडिंग क्योंकि सराउंडिंग बहुत बड़ी है क्या फर्क पड़ेगा सराउंडिंग के एन में हम कुछ नहीं कह सकते इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट इसीलिए स्पॉन्टेनिटी को समझने के लिए एक नया फैक्टर निकाला गया जिसको बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी गिब्स फ्री एनर्जी समझना कहते हैं आपके सिस्टम की टोटल एनर्जी थी एच उसमें से आपने आपको यह भी पता ना कि जो चेंज इन एंट्रोपी है इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई टी तो अगर एस और टी मतलब एंट्रोपी को टेम्परेचर से मल्टीप्लाई कर दो तो जो भी टोटल रैंडमनेस की वजह से जो भी आपके पास एनर्जी है दैट इज टी एस तो जब भी आप टोटल एनर्जी में से टी एस माइनस करेंगे जो बची कुछ ही एनर्जी होगी उसको बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी तो यही से डेफिनेशन आई द चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन एनथेलेपी माइनस अ स्मॉल चेंज इन एंट्रोपी इफ द प्रोसेस इज कैरिड आउट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर तो एक्चुअली ये जो गिब्स फ्री एनर्जी है ये क्या होता है सो so जितनी भी आपकी सिस्टम की एनर्जी थी यानी कि एनथेलेपी उसमें से जो भी रैंडमनेस की वजह से एनर्जी आपके सिस्टम में थी जो किसी काम की नहीं है देखो अगर आपका सिस्टम रैंडम है वो किसी काम का नहीं है ठीक है तो जो भी रैंडमनेस की एनर्जी थी टी एस उसको आपने माइनस कर दिया तो जो बची-कुची एनर्जी थी जिसको आप यूजफुल काम करने में लगा सकते थे इसी को बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी एंड नाउ द गिब्स फ्री एनर्जी इज एक्चुअली अ मेजर ऑफ स्पोंटेनिटी ऑफ अ सब्सटेंस फ्री एनर्जी से हम सिस्टम की स्पॉन्टेनिटी के बारे में डिस्कस करते हैं अगर आपका गिफ्ट फ्री एनर्जी लेस देन जीरो है तो हम कहेंगे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है अगर गिब्स फ्री एनर्जी इक्वल टू है, तो प्रोसेस इज एट इक्विलिब्रियम। और अगर गिब्स फ्री एनर्जी ग्रेटर इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है नॉन मतलब जो प्रॉब्लम हमें एंट्रोपी को डील करने में आ रही थी जहां पर मुझे सराउंडिंग की एंट्रोपी लेनी पड़ रही थी वो प्रॉब्लम ही खत्म हो गई क्योंकि अब मैं स्पॉन्टेटी का क्राइटेरिया एंट्रोपी नहीं जबकि गिब्स फ्री एनर्जी लूंगी क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आ गई ये सारी चीजें ये मैंने आपको कर कर दिखा दिए है दिस एवरीथिंग इज डन ठीक है सो दिस वी हैव डन वो कह रहे हैं एंट्रोपी और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मो क्या है या एप्सल्यूट एंट्रोपी एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स वो ये कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं बच्चे आपको पता है एक होते हैं क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एक होते हैं एमोर्फस सब्सटेंस एमोर्फस वो होते हैं जो फिर भी रैंडम रैंडम होते हैं मगर क्रिस्टलाइन वो होते हैं जिनका एकदम फिक्स पैटर्न होता है कह रहे अगर आपने क्रिस्टलाइन सब्सटेंस ले लिया और इसको कल को आप जीरो कैल्विन पर लेकर चले गए जीरो पे जीरोन पे तो मतलब देन 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 एंड ओनली देखो वही लिख रखा है कह रहा है एंट्रोपी ऑफ एनी प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस अप्रोच जीरो एज द टेम्परेचर अप्रोच इज एपल्यूट हर टेम्परेचर पे सिस्टम में थोड़ी ना थोड़ी एंट्रोपी थोड़ी ना थोड़ी रैंडमनेस होती जरूर है एंड टू जीरो सारे के सारे जो पार्टिकल वो सीज हो जाते हैं वो रुक जाते हैं वो चलना बंद कर देते हैं यानी कि उनकी एंट्रोपी जीरो हो जाती है तो कभी भी किसी सब्सेंस की एंट्रोपी जीरो नहीं होती है स अगर आपने उस सब्सटेंस को पहली बार तो प्योर लिया फिर क्रिस्टलाइन लिया क्रिस्टलाइन होना चाहिए कोई रैंडमनेस नहीं होनी चाहिए एंड that टू जीरो कैलविन पे जाके तब जाके उसकी जो एंट्रॉपी है वो जीरो को अप्रोच करती है एंड दिस इज वॉट इज थर्ड लॉ ऑफ thermodynamics, यही हमारी थर्मोडायनेमिक्स का तीसरा लॉ है ठीक है और थर्मोडायनेमिक्स का जो सेकेंड लॉ है मेरी बात ध्यान से सुने ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज नथिंग बट द वन विच यू स्टडी इन फिजिक्स फिजिक्स में आप पढ़ते हैं ना कानट इंजन और ये वो वो कानट साइकिल ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो हम केमिस्ट्री में कम देखो सो थेड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स एक्सप्लेन्स वाई स्पॉन्टेनियस एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर सो कॉमन वो यही कह रहे हैं ध्यान से देखो वी नो दैट फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द चेंज इन एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट दॉ इंक्रीज इन एंट्रोपी इन सच अस्टम इज द नेचुरल डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टेनियस तो ये जितना भी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, है ना ये आपने पढ़ा होगा कि हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम अ बॉडी ऑफ लोअर टेम्परेचर टू अ बॉडी ऑफ हायर टेम्परेचर गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी पे हीट ट्रांसफर पॉसिबल है मगर ठंडी बॉडी से गर्म बॉडी पे हीट अपने आप नहीं ट्रांसफर होती आपको वो प्रोसेस कराने के लिए काम करना पड़ता है जो भी आपने कानत साइकिल वगैरह फिजिक्स में पढ़ते हैं दैट इज बेसिकली सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो कि हम केमिस्ट्री में एज सच नहीं पढ़ते सो दिस पार्ट ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स इज टेकन केयर बाय फिजिक्स ठीक है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स में बस एक डेफिनेशन ही है विच यू नीड टू रिमेंबर विच यू नीड टू अंडरस्टैंड इससे ज्यादा कुछ नहीं तो आपके जेई मेन्स या नीट के पेपर में अगर कोई सवाल आता है सो मोर और लेस दैट सवाल इज समवेयर अराउंड द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो जिसको मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया तो अगर आप जेई या नीट के लिए थर्मो पढ़ रहे हैं तो आपको दो ही चीजें आनी चाहिए बहुत अच्छे से एक तो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो द अदर थिंग इज दैट गिव फ्री एनर्जी वाला ये वाला पार्ट और वो जो डेल्टा एच मतलब थर्मोकेमिस्ट्री वाला पार्ट कराया था यह तीन चीजें आपको आनी चाहिए इसके बाद जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडानेमिक्स है इसका जो भी सवाल आएगा दैट विल भी टेकन केयर बाय फिजिक्स दैट विल नॉट भी डन इन केमिस्ट्री अब एक छोटा सा टॉपिक जो मैं नहीं कराऊंगी बिकॉज आई नो दिस टॉपिक मेक्स सेंस वेन यू गो टू इक्विलिब्रियम हमारा नेक्स्ट ही चैप्टर है इक्विलिब्रियम बच्चे कल मैं आपके साथ सेशन नहीं ले पाऊंगी नीदर सैटरडे सो आई हैव टू ट्रेवल तो फ्राइडे और सैटरडे हाँ कल फ्राइडे है ना सो फ्राइडे सैटरडे आई वोंट बी एबल टू टेक सेशन ऑन यूट्यूब मेरा मन था कि मैं रिकॉर्ड करके सेशन यूट्यूब पर डाल दूँ सो दैट वो कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो बट देन जब मैंने अपने है हाँ ना क्लास के स्टूडेंट से भी डिस्कस किया बिकॉज वो बच्चे भी इन सेशन को फॉलो कर रहे हैं सो देवर लाइक मैम नहीं आप लाइव ही पढ़ाना जब भी टाइम मिले लाइव पढ़ाना तो फ्राइडे सैटरडे देखो मैं नहीं ले पाऊंगी मुझे ट्रेवल करना है ठीक है थोड़ा सा अर्जेंट है तो कल और परसों सेशन नहीं होगा बट देन विल कंटिन्यू द सेशन बैक फ्रॉम मंडे ठीक है ठीक है कार्नट इंजन क्या है कार्नट साइकिल क्या है इसके लिए यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम आप फिजिक्स में पढ़ेंगे uh, कार्नट साइकिल कार्नट इंजन हम केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते हैं दिस इज प्योरली फिजिक्स का टॉपिक जो आप फिजिक्स में डील करते हैं ठीक है सो आई थिंक दैट इज इट यही था और यही वो लास्ट दे रखा ये जो है ना ये वाला कहा गया ये जो ये वाला पार्ट है दिस इज सुपर 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 इम्पोर्टेंट यही कि डेल्टा जी इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस यही वही है कि मान लो अगर डेल्टा एस आपने पॉजिटिव लिया ठीक है और मान लो टेम्परेचर तो पॉजिटिव है ही है और आपका डेल्टा एच नेगेटिव है सपोज करो ये नेगेटिव है एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो अगर ये पार्ट नेगेटिव है ये पार्ट नेगेटिव है और ये पार्ट पॉजिटिव है तो ओवरऑल पूरा पार्ट नेगेटिव हो गया मतलब अगर एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव है और वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो दैट विल ऑलवेज बी स्पॉन्टेनियस हर बार डेल्टा जी नेगेटिव आएगा सो फाइनली सिर्फ इतना ही याद रखना है कि डेल्टा जी इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच और अगर आप किसी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस कराना चाहते हैं तो यू नीड टू रिमेंबर कि डेल्टा जी मस्ट बी लेस देन जीरो अगर डेल्टा जी इक्वल टू जीरो आ रहा है द द प्रोसेस प्रोसेस इज इज इन अगर डेल्टा जी ग्रेटर देन आ रहा है नॉन ठीक है ओके okay. थर्मोकेमिस्ट्री में थोड़ी प्रॉब्लम थी नाउ दिस इज ऑल्सो सॉर्टेड चलो ग्रेट ठीक है सो आई होप ये जो सेशन था आज का वो यूजफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स मैंने अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश करी कि एक एक चीज डिटेल में जितनी जेई मेन्स में या नीट में पूछी जाती है मैंने कोशिश करी वो सारी चीजों को अच्छे से फोकस करके पढ़ाऊं तो अगर सेशन अच्छा लगाओ सो मेक श्योर सेशन को लाइक जरूर कर देना ठीक है ना एंड फ्राइडे सैटरडे के लिए थोड़ा सा सॉरी बोलना चाहूंगी थोड़ा ना ज़्यादा ही सॉरी बोल देती हूँ कि आई विल नॉट बी एबल टू टेक योर सेशन थोड़ा सा ट्रेवल करना इंपॉर्टेंट है जरूरी है काम के लिए जा रहे हैं ठीक है एंड आई बी मीटिंग यू वंस अगैन ऑन मंडे और मंडे से हम इक्वली ब्रियम कंटिन्यू करेंगे सो मंडे ट्यूजडे वेंसडे आई थिंक इस uh, जो नेक्स्ट वीक है उसके एंड में आपकी पूरी ग्रेड ग्रेड इलेवन सॉर्ट आउट हो जाएगी पूरी ग्रेड इलेवेंथ अगर कर ली मतलब किसी बच्चे ने अगर बुनियाद सीरीज पूरी कर ली क्लास इलेवेंथ वाली ठीक है तो आपका फोर्टी फाइव परसेंट जई मेन्स तो सॉर्टेड है सॉर्टेड है फोर्टी फाइव परसेंट जई मेन्स या नीट और फिर जब ट्वेल्थ की करोगे तो भाई साहब एटी परसेंट है ना एटी एटी फाइव परसेंट सॉर्ट हो जाएगा सो मेक श्योर कंटिन्यूटी बनाए रखना कोई भी ऐसा बच्चा है जिसने लेटर स्टेज पे बुनियाद फॉलो करना शुरू किया सो मेक श्योर अभी दो दिन का गैप है अगर किसी का कुछ बैकलॉग रह गया कुछ पेंडिंग रह गया तो उनको कंप्लीट कर लो सो so दैट जब मैं इक्विलिब्रियम स्टार्ट करूं तो हो जाए और ये जो लास्ट वाला पार्ट है ये मैंने जान के नहीं कराया ठीक है ना आई कैन टीच बट इसकी फील तभी आती है वंस यू हैव अंडरस्टूड इक्विलिब्रियम क्या है नहीं तो ये सारा तुमको रट्टा लगेगा तो मैं रट्टे में बिलीव नहीं करूंगी आई विल नॉट मेक यू मग अप द थिंग्स वी विल अंडरस्टैंड दिस थिंग जब वी विल डू इक्विलिब्रियम ठीक है चलो डन ओके ठीक है बच्चे सो so, टेलीग्राम सब बच्चे ज़रूर ज्वाइन कर लेना टी डॉट एम ई स्लैश वोरा क्लासेस टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना सो so दैट मैं इस सेशन uh, के जितने भी ये हैंड रिटन नोट्स हैं जितनी भी चीज़ें मैंने लिखी हैं वो सारी की सारी पीडीएफ फॉर्मेट में आपके साथ शेयर कर दूँ ओके okay? चलो टेक केयर बाय बाय